A very good morning to all. Am I audible? Am Very good morning to all. Am I audible to everybody? Okay, so I think we should begin. If there is no problem with the audio, then I should start the program for the day. I just want you to put a thumbs up if my voice is clear and there is no echo and you can easily see me and listen to me. Okay, so that sounds good. And we start the day. So once again, a very, very good morning to everybody present today in the session. And on behalf of whole SRKI family, staff members, teaching, non-teaching staff members, everybody, including the management, I, Dr. Nehal Shah, welcome you all. Earnestly is very happy to have you all online, and we have one more session going online with you all, and we expect that again this 2 hours would be a game changer for each one of us who are participating today. So thank you very much for your love, cooperation and presence today, and I'm sure at the end you will be able to take something from the session. Again, like last time, I shall be using mixed languages so that everybody can understand, and you, even if you are sitting with your family members, friends, relatives, it is more reachable and it becomes more audible, right? So आज का हमारा विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है? आज हम बात करने वाले हैं इर्गोनॉमिक्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग. सो ये एक बहुत ही असेंशियल टॉपिक है इन रेफरेंस टू हमारा जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो रहा है. बहुत बहुत महीनों से ये चर्चा चली आ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस क्यों होना चाहिए या नहीं, इससे क्या स्वास्थ्य को तकलीफ पहुंच रही है, कितने घंटे होने चाहिए, ठीक है, और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए. तो मैं आपको याद करवाऊंगी कि जब हम छोटे थे और पहली बार जब हमारे देश में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट्स आए थे, तो शायद यही इसी किस्म का माहौल था. टेलीविजन्स वर कर्स्ड लाइक एनीथिंग, कि अब तो सब बच्चे बिगड़ जाएंगे, इस टेलीविजन का तो कोई मतलब नहीं है, सबकी आंखें बिगड़ जाएगी. ये ब्लैक एंड व्हाइट से फिर जब कलर में आए तो और क्रिटिसाइज होना शुरू हुआ, और आज देखिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्मार्ट टेलीविजन सेट्स. सो यू कैन रन योर मोबाइल फोन्स कनेक्टिंग टू योर टेलीविजन सेट्स ऑन अ ह्यूज स्क्रीन एंड कैन गो ऑन विथ अ स्ट्रीमिंग. सो वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड वी हैव एक्सेप्टेड द यूज ऑफ टेलीविजन. अभी टेलीविजन के बिना घरों में कुछ काम नहीं होता है, इतना टेलीविजन इम्पोर्टेंट हो गया है. कईयों के घर में तो ये हाल है कि टीवी चालू रहेगा और इंसान कहीं और काम कर रहा है, पर टीवी चालू रहेगा. सो ये हमारी एक हमारे रूटीन का एक भाग बन चुका है. तो ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम भी हमारे रूटीन का भाग बनने जा रहा है. इट्स द न्यू नॉर्मल दैट वी ऑल आर कमिंग अक्रॉस बिकॉज ऑफ पेंडेमिक. एंड बिकॉज पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, आई एम रिमाइंडेड दैट WHO ने कोरोना वायरस को 6 महीने पहले नो महामारी का स्वरूप दिया था. इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ पेंडेमिक ऑन थर्सडे. टुमोरो जो तारीख आ रही है, टुमोरो जो दिन आ रहा है, उस दिन 6 महीने पहले WHO ने इस महामारी को महामारी का रूप दिया था. नॉट एपिडेमिक बट पेंडेमिक वॉज डिक्लेयर्ड. सो वी हैव वेरी सेफली क्रॉस्ड
fighting, little getting loosed up, little getting winning time, but we have crossed 6 good months, with each other in the times of pandemic. So you should be very feeling very happy and proud कि हम 6 महीने इस पैंडेमिक से बाहर आ चुके हैं और नो ऑनलाइन से हम जुड़े हुए हैं, हम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं और इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का हम अच्छे से लाभ उठा पा रहे हैं. तो ये पैंडेमिक न्यू नॉर्मल, हमें इसे अच्छे से एक्सेप्ट करना है. हम एक और चीज ऐड करेंगे आज कि नो पैंडेमिक में ये जो चीज हमें मिली है टू गेट कनेक्टेड बाय ऑनलाइन, राइट, ये दुनिया के सारे देशों में सब कुछ मिला के जितने बच्चों को मिलता है, 50% स्टूडेंट्स ओनली गेट टू स्टडी ऑनलाइन. दिस इज यूनिसेफ्स रिपोर्ट. यूनिसेफ का कहना है कि सिर्फ 50% लोग ही ऑनलाइन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं अपनी लर्निंग और अपनी पढ़ाई के लिए. तो आप इमेजिन कीजिए, आप और मैं कितने लकी हैं और हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे हम जुड़ पा रहे हैं. डू नॉट कर्स दिस पर्टिकुलर थिंग, बट लेट्स रिमेन कनेक्टेड टू इट इन अ पॉजिटिव वे, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज द टॉपिक अबाउट. सो इर्गोनॉमिक्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग में आज हम वही चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम इस ऑनलाइन लर्निंग को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें. सी, कोई भी टेक्नोलॉजी खराब नहीं होती है, उसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं उसकी वजह से वो अच्छी या बुरी बनती है. तो अगर हम सीख लेते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए हमें क्या क्या गुड हैबिट्स की जरूरत है या क्या डिजिटल हेल्थ हमें फॉलो करना है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स बन जाएगा सीखने के लिए, जुड़े रहने के लिए, ठीक है, सोशल कनेक्ट के लिए. पर अगर हमने इसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे ऊपर इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट आए. तो इसलिए हमने आज का शीर्षक रखा है इर्गोनॉमिक्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग. हम आज कुछ ऐसी ऐसी बातें छेड़ेंगे कि जिसकी वजह से हम समझ पाए कि हमें कैसे ऑनलाइन को और बेहतर बनाना है, उसको करेक्ट और राइट वे से इस्तेमाल करना है. तो सबसे पहले शीर्षक को ही देखते हैं. ऑनलाइन तो सब लोग समझते हैं, पर ये इर्गोनॉमिक्स क्या होता है? तो जो ये इर्गोनॉमिक्स है, इर्गोनॉमिक्स का मतलब है ऐसा एक अप्लाइड साइंस, ठीक है, जिसमें डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स पीपल यूज सो दैट पीपल एंड थिंग्स इंटरैक्ट मोस्ट एफिशिएंटली एंड सेफली. सो इर्गोनॉमिक्स का बेसिक गोल होता है कि हम लोगों को एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड किया जाए जिसमें हमें मिनिमम इंजरीज हो, हमारा मिनिमम स्ट्रेन पेन फटिग रेट जो होता है वो कम से कम रहे और हमारी एफिशिएंसी मेंटेन रहे सो दैट हम ऑनलाइन काम कर सके. तो इर्गोनॉमिक्स जो साइंस है वो अप्लाइड ब्रांच होती है जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स और चेयर टेबल्स लैपटॉप्स वगैरह की डिजाइन पे काम करते हैं सो दैट इट बिकम्स मोर सुटेबल फॉर अवर बॉडी माइंड टू गेट कनेक्टेड एंड वर्क विदाउट इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ इन एन एडवर्स मैनर. तो आज हमें इस साइंस का यूज करना है क्योंकि हम में से काफी लोग ये नहीं जानते हैं कि क्या करेक्ट पोजिशन रहेगी टू सिट एंड यूज द डिवाइसेस, या हमें कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, या हमें क्या क्या हेल्थ का अलर्ट रहना है सो दैट अपना हेल्थ ठीक से रहे और हम इसका ऑनलाइन का अच्छे से फायदा उठा सके. सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर एनी बडी हु इज गोइंग टू यूज डिवाइसेज लाइक लैपटॉप, आईफोन, आईपैड, डेस्कटॉप, टेलीफोन सेट्स इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन, मे बी फॉर देयर बिजनेस पर्पज, मे बी फॉर देयर लर्निंग, टीचिंग, वर्क फ्रॉम होम, एनीथिंग. अगर आप बहुत ज्यादा फोन पे रहते हैं, बहुत ज्यादा लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है. ठीक है, आगे चलते हैं. लेट्स सी, जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो डिवाइसेस से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे डिवाइसेस को लेके होती है. तो जो जो डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं पहले उसको चेक कर लीजिए. जब भी आप चाहते हैं कि मैं अपने ऑनलाइन का सबसे ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल करूं, तो पहले हमें चेक करना है कि हमारा डिवाइस ठीक है या नहीं. ठीक है, तो अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो इन दैट कंडीशन
अगर आपके पास बहुत छोटे स्क्रीन वाला नो डिवाइस है तो वो थोड़ा ज्यादा ट्रिकी रहेगा ऑनलाइन के लिए। अगर आप फोन पे काम कर रहे हैं तो फोन से ज्यादा बेहतर होगा लैपटॉप या आईपैड, आईपैड और लैपटॉप से ज्यादा बेहतर रहेगा डेस्कटॉप। सो द मोर लार्जर स्क्रीन डिवाइस यू हैव द मोर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू टू नो बी एट ईज विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑनलाइन स्टडीज। ओके, बट सपोज ये नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अभी जाके हम कोई सामान खरीद के आए एंड नो 50,000 1 लाख रुपया खर्चा कर ले। नहीं, टुडे वी विल ऑल्सो डिस्कस द टिप्स कि हमारे पास जो भी डिवाइस है अगर हम मोबाइल से काम कर रहे हैं तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, अगर हमारे पास लैपटॉप है तो उससे हम उसको कैसे ज्यादा एफिशिएंटली यूज करेंगे। पर हमें जानना है कि हमारे पास एग्जैक्टली कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा क्या करना है कि बहुत सारे आपको ऑनलाइन नो बाइंग सेलिंग पोर्टल्स पे, जैसे अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है, वैसे पोर्टल्स पे आपको इर्गोनॉमिक टूल्स मिल जाएंगे। सो आप ये वर्ड यूज कीजिए, और अपने लैपटॉप मोबाइल फोन या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप अच्छे वाले इर्गोनॉमिक डिवाइसेस खरीद सकते हैं, तो खरीदिए। ठीक है, जैसे कि आपको हुड की जरूरत है या लैपटॉप ट्रे की जरूरत है तो आपको ऐसे डिजाइन वाले इंस्ट्रूमेंट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको अगर माउस के लिए जेल पैड की जरूरत है तो वो आपको मिल जाएगा। अगर यू वांट के देर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट बैंड्स, ओके, तो रिस्ट बैंड्स अवेलेबल हैं, ब्रेसेस अवेलेबल हैं, आर्म बैंड्स अवेलेबल हैं। नेक में पेन होना शुरू हो जाता है अगर ऑनलाइन ज्यादा लंबे टाइम तक रह रहे हैं, तो आप नेक के स्पेशली डिजाइंड पिलोज आते हैं फॉर दैट काइंड ऑफ नेक पेन, तो वो आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे अच्छे वाले डॉक्यूमेंट होल्डर्स अवेलेबल हैं, मोबाइल होल्डर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिजाइन ऑफ कुशंस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के तकिए और पिलोज भी अवेलेबल हैं। लंबर सपोर्ट पिलोज आर अवेलेबल, तो वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, देर आर डिफरेंट साइज एडजस्टेबल डेस्क, जैसे मैं इस वक्त मेरे पास मेरे घर में भी टेबल नहीं है, तो मैं अगर अपने बेड को यूज कर रही हूँ तो बेड के ऊपर आपके पास एडजस्टेबल डेस्क अवेलेबल हो सकता है, तो वो आप रखिए, और उसमें आपको डिस्टेंस वगैरह सेट करना है जिसकी वजह से आप अच्छे से अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दैट यू आर कमिंग इन द साइंटिफिक वे ऑफ द पोस्चर, द सिटिंग एस्पेक्ट, एंड यू गेट मिनिमम पेन स्ट्रेन फटिग। कम से कम आपके शरीर को मुश्किल हो कि भाई आप अच्छे से ऑनलाइन स्टडीज में डिस्टर्ब ना हो, तो इसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट्स और ये सारी चीजें सबसे पहले हम चेक करेंगे, इंक्लूडिंग ईयरफोन। अगर आप ईयरफोन ले रहे हैं तो यूज द इनवर्ड ईयरफोन्स, ओके, डू नॉट यूज दोज विच आर हैविंग ओवरहेड, जो ऊपर से लगाते हैं, क्योंकि कई बार वो थोड़े हैवी होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जो नेक होता है उसको स्ट्रेन पड़ सकता है। तो अगर आप इन ईयर हेडफोन्स यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो दैट इज अगेन अ चेंज के आप कैसे चीजों को इस्तेमाल करते हैं। इवन देर आर कंप्यूटर ग्लासेस अवेलेबल, आपको नो आई ग्लासेस मिल जाएंगे जो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर से जो ग्लेयर आ रही है उससे आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, तो वो एंटी ग्लेयर सिंपल आई ग्लासेस आप खरीद सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन नो सेट डाउन योर इंस्ट्रूमेंट्स टू गिव यू बेटर बेनिफिट्स। अभी ये तो इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई, पर सबसे बड़ी बात आती है हाउ यू आर गोइंग टू सिट, कहाँ और कैसे बैठा जाए। ठीक है, तो अगर आपके पास कुर्सी टेबल है तो अगर बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि आप कुर्सी टेबल का इस्तेमाल करें, टेबल और चेयर का इस्तेमाल करें। उसमें चेयर को आप ज्यादा महत्व दें इन टर्म्स ऑफ योर सिटिंग पोस्चर, क्योंकि किस किस्म की आप चेयर यूज कर रहे हैं वो भी इतना मायने रखता है। तो कई लोगों को चेयर चेयर तो अच्छी होती है पर बैठने का तरीका नहीं पता, तो बैठेंगे कैसे? तो एक तो आप अंदर से बैठिए, आपकी चेयर में पीछे जो सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट आपके बैक को टच होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप काफी सारे कुशंस ले सकते हैं। सपोज आप छोटे छोटा कोई बच्चा है, चेयर बड़ी है और नहीं पीछे तक जा पा रहा है, तो क्या करेंगे, तो पीछे आप कुशंस रख सकते हैं, पिलोज रख सकते हैं टू सपोर्ट योर लोअर बैक, ये जरूरी है।
हमारा लोअर बैक सबसे पहले अफेक्ट करता है, तो उसको संभालना है, तो वो आप रख सकते हैं। अगर इसकी वजह से आपके पैर लटक रहे हैं नीचे, फ्लोर पर टच नहीं हो रहे हैं, तो आप नीचे भी कोई सपोर्टिंग स्टूल रख दीजिए या कोई सपोर्टिंग पिलो रखिए। आपके पैर लंबे टाइम तक लटकते हुए नहीं रहने चाहिए, दे शुड बी फ्लैट ऑन द सरफेस एंड दे शुड बी ऑन द सरफेस। ओके, सो उसको नीचे रखना है, तो अगर नीचे तक नहीं पहुंच रहा है तो कोई सपोर्ट रखेंगे और उसको आराम देंगे, और हम सीधा बैठेंगे। नाउ सीधा बैठेंगे माने वी आर नॉट गोइंग टू सिट लीन लाइक दिस, ऐसे नहीं बैठना है। इससे क्या होगा, रोल्ड बैक आती है, यू विल सिट स्ट्रेट लाइक दिस। दिस डज नॉट मीन कि आप अक्कड़ बैठेंगे, हमें हमें इसको इतना पेनफुल स्ट्रेट नहीं रखना है। वी हैव टू हैव अ कंफर्टेबल पोजिशन, बट हमें शोल्डर्स ऐसे नहीं होके स्ट्रेट रहने चाहिए, कान के पीछे जाने चाहिए। दैट इज द आइडियल वे टू सिट एंड आइडियल वे टू हैव योर पोस्चर। आपके कान के अलाइनमेंट में आपका शोल्डर का सेंटर पास होना चाहिए, ठीक है? तो वो कैसे चेक करेंगे, ये जो आपका है ये बैंड नहीं होना चाहिए, दिस शुड गो आउट, ठीक है? तो ये आपको अजाइल भी रखेगा, ये इसकी वजह से क्या होगा, आप लंबे टाइम तक अलर्ट रह पाएंगे। पर ये इसको आप ज्यादा स्ट्रेन मत कीजिए, इसको आराम से बैठना है, और इसीलिए हमें लोअर बैक सपोर्ट देना है। सपोज आपके पास इनफ तकिया या कुशंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक बड़ा सा टॉवल ले लीजिए, उसको रोल कर दीजिए, और वो रोल करके अपने लंबर के पीछे रख दीजिए, तो दैट इज इनफ टू प्रोवाइड द सपोर्ट। सो यूज एज मच सपोर्ट एंड कंफर्ट। अब इसको जज कैसे करेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेस्ट इज के आप अपनी पोजीशन चेक करते रहिए। आज 1 घंटा बैठे हैं, क्या उस पोजीशन में कहीं पेन हुआ, कोई कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में स्ट्रेन हुआ, नेक में कुछ गड़बड़ हुई या बैक में कुछ गड़बड़ हुई या आंखें दुख रही हैं, दैट मींस वो पोजीशन आपका सही नहीं जा रहा है। तो कीप चेंजिंग द पोजीशन, इवेंचुअली 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर योर सिटिंग, ठीक है? तो ये हो गया जो लोग टेबल चेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आपके पास टेबल चेयर नहीं है तो डाइनिंग टेबल चेयर तो होगा ही, यू कैन यूज दैट, ओके? वहां पे भी बैठ सकते हैं। अगर आप पलंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेड पे बैठने वाले हैं, तो आप वहां पे गद्दे लगा दीजिए, एक के ऊपर एक कुशन्स लगा दीजिए मोटे वाले, और उसके ऊपर अपना लैपटॉप या फोन अरेंज कीजिए। अब वो कैसे अरेंज करेंगे, जब भी आप कोई लैपटॉप या फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उसका आई एंगल और आपका आई एंगल सेम आना चाहिए, दिस शुड बी इन लाइन। ज्यादा नीचे देखना है, ऐसे देखा आपने जैसे मैं फोन ऐसे देख रही हूँ तो मेरी गर्दन अकड़ जाएगी, तो दैट्स नॉट करेक्ट, ओके? अगर मैं फोन ऐसे देख रही हूँ तो भी ठीक नहीं है। आई शुड हैव एन एंगल स्ट्रेट, मेरा एंगल मेरे फोन का जो स्क्रीन है उससे स्ट्रेट होना चाहिए, ज्यादा झुका हुआ भी नहीं, ज्यादा ऊपर भी नहीं। मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है तो भी ये गर्दन अटकेगी, अगर मुझे नीचे बहुत देखना पड़ रहा है तो भी अटकेगी, यू मैं क्रॉस एंगल में जा रही हूँ तो भी अटकेगी। सो नन ऑफ दिस आर गुड, द थिंग इज यू हैव टू बी स्ट्रेट, आपका स्क्रीन आपके सामने होना चाहिए। सो अगर आपके पास टेबल नहीं है जो आप पलंग के ऊपर रख सकते हैं, स्टूल वगैरह कोई छोटा वाला नहीं है, तो डोंट वरी, यूज लॉट ऑफ कुशंस, कुशंस, और अगर कोई बड़ी वाली मोटी वाली किताबें हैं तो उसका एक पाइल कर दीजिए, और डब्बे तो होंगे ही किचन में, तो मम्मी को बोलिए आपको कोई ऐसे वाले डब्बे दे दे जिसके ऊपर आप उसको अपने मोबाइल के हैंडसेट को रख सकते हैं या अपने लैपटॉप का अरेंजमेंट कर सकते हैं। जिनका डेस्कटॉप होगा उन्हें तो ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि डेस्कटॉप का मोस्टली कोई एक टेबल अरेंजमेंट होगा ही, तो उन्हें चेक करना है अपना कुर्सी कि उनका कुर्सी कैसा है, आर यू एबल टू सिट प्रॉपरली ऑन द चेयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक आप एक चेक करेंगे, ठीक है? और अगर आप पलंग का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं आपको इस तरह से चेक करना है। ये हो गई हमारा देखने वाला एंगल, सीधा देखेंगे, स्क्रीन हमारे सामने होना चाहिए, नीचे नहीं और ज्यादा ऊपर नहीं। बैक का हमने सेटिंग कर दिया, पैर हमें जो रखने हैं, अगर आप पलंग के ऊपर बैठे हैं यू कैन सिट इन द फोल्ड फोल्डिंग स्क्वेट पोजिशन, तो आप माने पलाठी लेके पलाठी मार के बैठ सकते हैं, बट सी अगर वो बहुत स्प्रेन कर रहा है आपको तो कीप ऑन चेंजिंग योर पोजिशन। कोई भी पोजिशन आपको लंबा 1-2 घंटा तक में नहीं बैठना है, उसको चेंज करते रहना है, और जहां तक हो सके अपने शरीर के जो भी नो बेंडिंग पोस्चर्स है, जैसे घुटनों से आप उसको बैंड कर सकते हैं, कोहनियों से बैंड कर सकते हैं, तो उसे कम बैंड कीजिए।
सो दैट ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलेगा. सो हो सके वहां तक सीधे और आराम से बैठेंगे. नाउ द थिंग इज कि हमारे हाथ कैसे होने चाहिए, हाउ वी विल बी यूजिंग अवर हैंड्स. सो अगर आप माउस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब भी आप माउस का इस्तेमाल करेंगे, योर टू हैंड्स, इट शुडेंट बी लाइक दिस. ऐसे आपको टाइपिंग नहीं करना है. ये एंगल, ऐसा एंगल नहीं आना चाहिए. द एंगल शुड बी लाइक दिस. ओके, सो योर दिस हैंड शुड बी इन पैरेलल टू योर दिस पर्टिकुलर नो शोल्डर. सो जब आप काम करेंगे तो ये सीधा रहना चाहिए, इवन नॉट टिल्टेड लाइक दिस और ऐसा. ये दोनों चीज गलत है. और व्रिस्ट और ये अपना कोहनी, इसको एंगल में रखना है. ओके, देन ओनली इट्स इट्स गोइंग टू फंक्शन इन अ प्रॉपर वे. सो दैट इज वाई आप जेल पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं. और ये दिक्कत व्रिस्ट वाली उनको ज्यादा आएगी जो लोग डायरेक्टली अपने लैपटॉप से कीबोर्ड पे काम करते हैं, क्योंकि उसमें स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच का डिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. तो क्या होगा कि दे आर गोइंग टू फेस मोर ट्रबल इन द ब्रिस्ट पोर्शन. सो इन दैट कंडीशन आपको क्या करना है, अगर आप जानते हैं और समझते हैं कि भाई मेरा मुझे बहुत लंबे टाइम तक लैपटॉप पर काम करना पड़ रहा है, तो इन दैट केस आप एक अलग से कीबोर्ड ले लीजिए. सो दैट वो कीबोर्ड आपका अलग से काम कर सकता है एंड स्क्रीन कैन बी यूटिलाइज डिफरेंटली. सो देन यू हैव इनफ स्पेस टू पुट योर हैंड इन अ करेक्ट पोजिशन. सो योर करेक्ट पोजिशन हैज टू बी लाइक दिस, इट शुडन बी लाइक दिस. क्रॉलिंग नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए. इसको हम इस तरह से रखेंगे, इस तरह से स्ट्रेट रखेंगे, राइट? और यहां से ये एंगल स्ट्रेट जाना चाहिए. अगर इतना मेंटेन करते हैं तो इन दैट केस आपके ब्रिस्ट को कम से कम प्रॉब्लम होगी, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू फ्लेक्सिबली अरेंज योर पर्टिक्यूलर बॉडी व्हेन यू आर डूइंग दिस. नाउ द मेजर एस्पेक्ट इज के इतना सब कुछ समझने के बाद भी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पोस्चर सही है या नहीं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पोस्चर. सी, पोस्चर माने हमारे शरीर को एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में खड़ा रखना या एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में उसको बिठाना. देर हैज टू बी अ अलाइनमेंट बिटवीन योर मसल्स, बोन्स एंड ऑल ऑफ योर बॉडी ऑर्गन्स. नाउ व्हाई यू नीड दिस अलाइनमेंट, क्यों हमें इसका एक अलाइनमेंट मेंटेन करना है? क्योंकि अगर हम अलाइनमेंट ठीक से नहीं मेंटेन करते हैं तो ये सारे जो एक्स पेन स्प्रेन्स और बॉडी को जो हर्ट होता है फॉर लॉन्ग टाइम एक्टिविटीज, वो ज्यादा होगा. ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम होगा तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा, और ठीक है, इसकी फिर इससे और मस्क्यूलो स्केलेटन डिसऑर्डर्स बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमें अवॉइड करना है. हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी घट सकती है अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है तो. तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हमें पहले जानना है कि ये अलाइनमेंट मेरा ठीक है या नहीं, उसको कैसे समझेंगे. तो आप इसको तीन तरीके से चेक कर सकते हैं. एक तो बहुत सिंपल तरीका हो गया कि अगर आपने ऐसे बैठा है, बैठना है 2 घंटा 1 घंटा और आपको कुछ दर्द किया, तो दैट मींस के आपका वो पोस्चर ठीक नहीं था. तो ये सीधा सीधा नो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया. कुछ दुख दुख रहा है, माने कि पोस्चर मेरा गलत जा रहा है, ठीक है? और ये अगर इनफ नहीं है टू अंडरस्टैंड द पोस्चर, तो दूसरा क्या है, आप चेक कीजिए कि क्या आपका शोल्डर श्रग हो रहा है. आर यू सिटिंग इन अ रोल्ड पोजिशन लाइक दिस, ऐसे बैठ रहे हैं आप या ऐसे बैठ रहे हैं? दिस यू कैन इजिली चेक इन द मिरर. इवन वेन यू आर स्टैंडिंग यू विल कम टू नो कि झुके हुए हैं या आपके शोल्डर्स बैक साइड है. अगर इससे भी नहीं पता चल रहा है, देन द बेस्ट थिंग इज यू कैन टेक अ वॉल टेस्ट. सो देर आर टू वेज टू डू द वॉल टेस्ट. नाउ वॉट इज दिस वॉल टेस्ट? सो वॉल टेस्ट में क्या करेंगे, आप कोई भी अपने घर में जहां पे आपको वॉल मिल जाती है, मानो जहां कुछ चिपकाया हुआ नहीं है, कोई पोस्टर वगैरह नहीं है, वैसी खाली वॉल को पकड़िए और वहां जाके आप खड़े हो जाइए. और जब आप खड़े हो रहे हैं तो अपने दोनों पैरों के बीच 6 फीट का डिस्टेंस रखेंगे. ओके, सो 6 फीट माने ये मेरा स्केल है, दिस इज 12, ये 12 इंचेस का स्केल है, तो इसका हाफ हो गया, तो दैट्स गोइंग टू बी 6. ओके, सो 6 फीट का डिफरेंस रखेंगे दोनों पैरों के बीच में और अपना पूरा जो बैक साइड का पोर्शन है उसको वॉल से टच कराएंगे. ओके, डोंट डू इट डेलिबरेटली, जस्ट नो ट्राई टू स्टैंड टचिंग द वॉल. जितना हो सके उसको टच करके खड़े रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है? और जब आप खड़े रहेंगे तो नेक का जो रीजन है
वहां पे वो नेक आपका टच नहीं होगा, और लोअर लंबर जो अपने कमर का जो भाग है नीचे का, वो उसके वहां पे थोड़ा कर्वेचर रह जाएगा, ठीक है। नाउ आइदर यू योर सेल्फ कैन पुट योर फिंगर बैक साइड और वो मेजर कीजिए कितना हो रहा है अपनी फर्स्ट फिंगर से। अगर उसे नहीं हो रहा है तो टेक समबडीज हेल्प इन योर फैमिली एंड आस्क देम टू यूज अ स्केल। स्केल यूज करने को बोलिए और उसको बोलिए कि देखो भाई कितना हो रहा है। थ्रेड से भी कर सकते हैं और फिर वो थ्रेड को स्केल पे लगा के आप देख लीजिए कि कितना हो रहा है। बोथ ऑफ दीज टू मेजरमेंट्स, यहाँ का जो कर्व आ रहा है वो, और जो लोअर लंबर का जो कर्व आ रहा है वहां जो आपका एंगल बन रहा है, ये दोनों के दोनों एंगल 2 इंच से ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। द गैप बिटवीन योर लोअर लंबर एंड द वॉल, दैट एंगल एंड द नेक एंड द वॉल शुड नॉट बी मोर देन 2 इंचेस। अगर वो 2 इंच से ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स आपका पोस्चर कर्व्ड है, आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका चेकिंग। और अगर आप ठीक से खड़े रहना सीख गए, बिकॉज उसमें यही रहेगा कि आपका शोल्डर आपके कान के पीछे रहेगा, तो अगर आप ठीक से खड़े रहते हैं तो आपको हैबिट हो जाएगी, आप बैठेंगे भी उसी तरीके से। तो अगर आपका बैठने का पोस्चर गलत है, माने आप खड़े भी गलत तरीके से ही रहते हैं, एंड दिस इज वेरी बैड इवन फॉर योर एजिंग। तो अगर आपने कई लोगों को देखा होगा तो काफी सारे लोग दे आर बेंट व्हेन दे आर नो गेटिंग ओल्ड, तो उनकी काफी पीठ झुकी हुई रहती है। उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो पोस्चर के ऊपर ज्यादा काम उन्होंने किया ही नहीं। तो टेक केयर ऑफ योर पोस्चर्स, इट इज गोइंग टू नो एड टू योर हाइट। ओके, जब आप सीधे बैठेंगे तभी भी आपका हाइट रूटीन हाइट से आधा 1 इंच बढ़ेगा। इट विल लुक एज इफ यू आर मोर हाइटेड। ओके, सो दैट विल कम इवन व्हेन यू आर स्टैंडिंग एंड व्हेन यू आर सिटिंग। सो वो दो चीज एक आप में चेंज आएगी। जब आप बैठे हैं अच्छे से तो थोड़ी हाइट बड़ी बड़ी हुई दिखेगी, खड़े हैं तो भी बड़ी हुई दिखेगी, नो जो आपकी रेगुलर हाइट है उससे। सेकेंड थिंग इज इट गिव्स अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। सो दोज हु वॉन्ट टू रियली लुक लाइक देयर सेलिब्रिटीज, हीरो हीरोइंस, जस्ट चेक देयर पोस्चर। दे हैव वेरी वेल अलाइनमेंट विद देयर बॉडी ऑर्गन्स एंड दैट इज वाई दे वेन दे सिट दे रियली लुक एलिगेंट। द रीजन इज दिस बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन द पोस्चर। सो एक अलग आपका पर्सनैलिटी बाहर आएगा एंड यू विल रिमेन नो मेंटली अलर्ट एंड ऑल्सो दिस एलिवेट्स द मूड्स। सो अगर आप बोर हो रहे हैं, बार बार आपका मूड स्विंग आ रहा है, तो अगर आपने गुड पोस्चर मेंटेन किया है तो वो कम हो जाएगा, बिकॉज बॉडी ऑर्गन्स आर इन अलाइनमेंट और आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही सही चल रहा है, कोई भी ऑर्गन ज्यादा प्रेशर में नहीं है। तो दैट इज वाई पोस्चर्स नीड्स टू बी वर्कड आउट। तो ये हो गया हमारा कौन से डिवाइसेस कैसे लिस्ट करेंगे और हम कैसे हमें बैठना चाहिए। अब जब हम बैठने की बात करें तो हमारे एनवायरमेंट का भी हमें ध्यान रखना है। सो एनवायरमेंट इंक्लूड्स व्हाट? वेरी इंपॉर्टेंट इज योर लाइट सोर्स जहां आप बैठने वाले हैं एंड सेकेंड इज पर्टिकुलरली योर एयर। सो डोंट सिट इन डार्क रूम्स जहां एयर अच्छी हवा नहीं आ रही है, पंखा नहीं चल रहा है, या आपके पास इनफ नो एयर सोर्स नहीं है, क्योंकि दैट्स गोइंग टू सफोकेट यू। सो यू शुड सिट इन एन एरिया जहां आपको ताजी हवा मिल रही है, ठीक है, और हवा का आना जाना सर्कुलेशन पॉसिबल है। पर्टिकुलरली इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक प्रॉपर वेंटिलेशन इज रिक्वायर्ड। सो चूज एन एरिया जहां अच्छा वेंटिलेशन आपको मिल जाए। दैट विल हेल्प गेट मोर फ्रेश एयर एंड फ्रेश ऑक्सीजन फॉर योर सेल्फ, राइट। एंड लाइट आपको चेक करना है कि भाई लाइट जब भी आप जिस जहां जगह पे बैठे हैं, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं, सपोज कुछ लिखने वाले हैं या कंप्यूटर स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फोन को देख रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके स्क्रीन के ऊपर वो लाइट आए सो दैट यू कैन इजिली रीड द थिंग्स, बट इट शुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस शार्प एंड ब्राइट ग्लेयर। तो ग्लेयर नहीं आना चाहिए। सो अभी हमारे पास काफी टेक्नोलॉजी में डिवाइसेस हैं, जैसे यू हैव एंटी ग्लेयर स्क्रीन्स अवेलेबल फॉर योर मोबाइल, इवन यू हैव एंटी एंटी ग्लेयर हुड्स अवेलेबल फॉर योर नो कवर ऑफ योर कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड लैपटॉप्स, यू कैन यूज दोज थिंग्स। आप घर की लाइट की वजह से ग्लेयर आ रहा है तो कर्टन्स वगैरह लगाइए, पर इसको चेक कीजिए। ग्लेयर शुड नॉट गो इन योर आईज,
बिकॉज दैट्स गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर योर आईज. सो ग्लेयर नहीं आए, बट दैट डज नॉट मीन कि अच्छी लाइट नहीं चाहिए, हमें लाइट चाहिए. सो गुड सोर्स ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, राइट, जिसकी वजह से आपको डॉक्यूमेंट्स और जो फॉन्ट साइज वगैरह है कंप्यूटर और लैपटॉप के या फोन के, उसको देखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए. और यू कैन इजिली सेट दोज लाइट अगेन बाय ट्रायल एंड एरर. सो दैट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर योर एनवायरमेंट, के आपको कैसे आपके एनवायरमेंट को इस तरह से इम्प्रूव करना है. ठीक है, नाउ लेट्स गो फर्दर. कि ये तो हमारी बात हो गई एनवायरमेंट रिलेटेड एंड नो रिलेटेड टू अवर सिटिंग अरेंजमेंट. व्हाट अबाउट द नॉइज? सो इवन व्हेन यू आर वर्किंग, अवॉइड द प्लेसेस जहां बहुत ज्यादा कंटिन्यूअस शार्प नॉइज आ रहा है, बिकॉज दैट इज अगेन अ डिस्टर्बेंस टू योर वर्क. एट द सेम टाइम दैट्स गोइंग टू क्रिएट इरिटेशन. एक कंटिन्यूअस नॉइज अवॉइड किया जाए सो दैट आपका कॉन्सेंट्रेशन आपके वर्क के ऊपर अच्छे से रहे. तो वो आप देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि जो भी जगह है उसको आप नो नीट एंड क्लीन रखिए, उसको टाइडी रखिए. डोंट नो लीव इट वेरी मैसी. सो दैट दैट इज अ पार्ट ऑफ योर डिजिटल हाइजीन. सो लेट्स मेंटेन सम डिजिटल हाइजीन. फोन के स्क्रीन्स को साफ रखिए, लैपटॉप के स्क्रीन्स को साफ रखिए. ओके, डेस्कटॉप क्लीन रखिए, उसका डस्टिंग अच्छे से रखिए, सो दैट यू फील लाइक बीइंग विद द इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स कैन सपोर्ट यू. वो क्लैरिटी देगा. अगर आपका स्क्रीन ही गंदा है, कुछ भी करेंगे आपको वो क्लैरिटी नहीं देगा, तो अगेन इट्स गोइंग टू क्रिएट हेल्थ प्रॉब्लम्स. एट द सेम टाइम इट्स गोइंग टू नो अफेक्ट योर आईज एंड एवरीथिंग, और फिर मजा भी नहीं आएगा. सो मेक श्योर दैट द प्लेस यू आर सिटिंग इज नीट टाइडी, इट इज क्लीन एंड क्लियर एंड रिफ्लेक्ट्स पॉजिटिविटी. तो उसको अच्छे से मेंटेन कीजिए. स्पेसिफिकली जो वायर्स और कॉर्ड्स के साथ आप काम कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशली जो लोग डेस्कटॉप के ऊपर काम करते हैं उनके घर में ऐसे होता है कि बहुत सारे कॉर्ड्स लगे हैं एंड दे आर ऑल मिसमैच्ड. सो सी दैट योर अरेंजमेंट ऑफ द कॉर्ड्स इज इक्वली नो अप्रोप्रिएट, सो दैट वहां कुछ गड़बड़ नहीं हो. एंड यू कैन देन फील लाइक के आई हैव टू सिट फॉर माई क्लास और आई हैव टू सिट फॉर माई वर्क. सो यू हैव टू जनरेट एन एनवायरमेंट फॉर योर सेल्फ, कि जिसकी वजह से आप जैसे अपने ऑफिस में या अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में बैठ के क्लासेस ले रहे हैं वैसा आपको फील आए. तो उसके लिए सपोर्ट योर सेल्फ बाई डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो दैट इट बिकम्स रियली नो वाइटल एंड गुड फॉर यू दैट यू यू स्टडी इन अ हैप्पी मूड. तो ये सब चीजें आप अरेंज करेंगे, डिजिटल हाइजीन मेंटेन करेंगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय योर स्टडीज एंड योर वर्क एट द सेम टाइम. तो ये हमारी काफी सारी बात हो गई रिलेटेड टू हाउ एंड वॉट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन यूज, वॉट काइंड ऑफ पिलोज यू कैन यूज, एंड वॉट शुड यू डू रिलेटेड टू योर लाइट, एयर, नॉइज, द एनवायरमेंट यू आर सिटिंग इन टू, द फर्नीचर दैट यू आर सपोज टू यूज. ओके, एंड वॉट शुड बी योर पोस्चर. फाइन, नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वेन वी आर गोइंग इन टू द इर्गोनॉमिक्स, ऐसा तो होने वाला है नहीं कि लंबा काम नहीं करेंगे एंड नो यू आर नॉट गोइंग टू हैव लिटल स्ट्रेन एंड पेन. कभी कभी हो जाता है, या नहीं हो उसके लिए हमें काफी सारी मेहनत भी करनी है. तो इसके लिए हमें इन बिटवीन ब्रेक्स लेना जरूरी है. Now, when we need to take the breaks, we have to plan the breaks in a better way. So, before I go on to the science of breaks, I would like to have one activity with you. Okay? So, हम एक छोटा सा activity कर रहे हैं जिसमें हम एक छोटी सी exercise सीखेंगे. इस exercise का नाम है attentive tension and relaxation technique. ठीक है? Attentive tension, हमें जानबूझ के हमारे शरीर के particular organs को टेंशन देना है, स्ट्रेच करना है, और फिर हमें उसको रिलैक्स करना है. तो ये एक्सरसाइज हम पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद में मैं बताऊंगी कि आप इसको कैसे और कब यूज करेंगे. ठीक है? सो आई थिंक अप टिल नाउ इट इज गोइंग इन अ अलाइनमेंट विथ यू पीपल, एंड होप द नो सेशन इज रियली एंजॉयबल एंड यूजफुल फॉर यू. सो आर यू रेडी फॉर द टेक्निक? शैल वी गो ऑन फॉर द टेक्निक? You can respond by showing a thumbs up. Okay,
ओके फाइन। सो अगर आप कोई कुर्सी पे बैठे हैं तो अपना अगेन एक बार अलाइनमेंट चेक कर लीजिए, ठीक से बैठ जाइए। अगर आप माने नो इफ यू आर पुटिंग वन लेग बेंडेड या ऐसा कुछ, तो एक नॉर्मल पोस्चर में आ जाइए, ठीक है, और फिर इस टेक्निक को शुरू करेंगे। अगर आप बेड के ऊपर बैठे हैं तो भी अपने नॉर्मल पोस्चर में आ जाइए, पलाठी खोल दीजिए। इफ यू आर सिटिंग इन स्क्वेटिंग पोस्चर, ओपन अप द लेग्स एंड सिट इन अ रिलैक्स्ड मोड, राइट। अभी इसमें करना क्या है, वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेजर मस्क्यूलर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी एंड मेजर पार्ट्स, राइट। सो वॉट वी हैव टू डू इज दैट इन दिस कंडीशन, ये जो टेंशन रिलैक्सेशन है उसमें सबसे पहले आपको अपने हाथ यूं आगे लाने हैं इस तरह से। एंड टुडे इज इंटरनेशनल टाइगर्स डे, सो यू कैन मेक अ दिस काइंड ऑफ अ सिंबॉल इन योर हैंड्स, राइट, रिमेम्बरिंग द टाइगर टूडे, राइट। बट दिस इज असेंशियल फॉर द टेक्निक, सो जस्ट मेक अ सिंबॉल लाइक दिस, और इसको प्रेशर देना है एज मच एज पॉसिबल। इसको प्रेशर दीजिए जितना हो सके उतना, और जब आपको लगे कि अब ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो हल्के से रिलीज कर दीजिए। ओके, गिव अ प्रेशर, टाइट कीजिए इसको अच्छे से, फाइन, एंड अगेन रिलीज। दिस इज स्टेप वन। ओके, नाउ लेट्स डू स्टेप टू। तो स्टेप टू में क्या करेंगे, हमारे दोनों हाथ हैं उसको खोल देंगे, राइट। सो इन दैट केस, सपोज मैंने ऐसे खोला है हाथ, राइट, सो माई बोथ द हैंड्स शुड बी लाइक दिस। नाउ जस्ट इमेजिन दैट वेन आई एम डूइंग बोथ द हैंड्स लाइक दिस, ओके, तो एज इफ दोनों तरफ से दो वॉल्स मेरी तरफ आ रही हैं और मुझे वो वॉल्स को मेरी तरफ आने नहीं देना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको स्ट्रेच करूंगी कि नहीं मत आओ दोनों हाथ से। सो यू हैव टू गिव टेंशन टू योर बोथ द हैंड्स, ओके। सो इसको आपको पाम को एज मच हो सके पीछे की तरफ लेना है एंड जस्ट स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल। आइडियली यू शुड बी एबल टू होल्ड फॉर 10 to 15 seconds। अभी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से आएगा, पर यू हैव टू स्ट्रेच इट लाइक दिस एंड देन रिलीज, अगेन स्ट्रेच इट लाइक दिस एंड देन रिलीज। ओके, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर टू, स्ट्रेच नंबर टू। सो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग टेंशन टू अवर हैंड्स एंड देन रिलैक्सिंग देम, राइट। नाउ द सेम थिंग वी हैव टू डू इट फॉर अवर चेस्ट, अपनी चेस्ट के लिए भी हमें ये करना है। तो चेस्ट में कैसा रहता है, आप हवा भरेंगे फिर उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको होल्ड करेंगे और तब चेस्ट को पीछे की तरफ पुल करेंगे, ओके। और फिर जब आपको लगेगा कि नहीं अब नहीं मैं रुक पा रहा हूं, तो उसको रिलीज कर दीजिए। अगेन ऑल दिस हैज टू बी फॉर एटलीस्ट 10 to 15 seconds, राइट। जो रिलैक्सेशन की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि प्रोग्रेसिव मस्क्यूलर रिलैक्सेशन, तो उस प्रोग्रेसिव मस्क्यूलर रिलैक्सेशन का ये टाइप टू है, जिसको हम अटेंटिव टेंशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं। दिस यू शुड यूज इट बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग ऑनलाइन, सो ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, ओके। इसमें 6 स्ट्रेस एंड रिलैक्सेशन रहता है, सो 6 अलग अलग एक्सरसाइज का मिक्सचर है। तो 2 हो गई हाथ के साथ कि हमने आगे इसको यूज कर लिया और फिर हमने एक साइड वाला पोस्चर लगाया, ठीक है, और दोनों हाथों से हमने वॉल को जैसे मूव कर रहे हैं वैसे हमने उसको स्ट्रेच किया। थर्ड इज गोइंग टू बी कि आपको अपनी सांस भरनी है और फिर उसको होल्ड करना है और ये चेस्ट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है, ठीक है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओके, नाउ दिस शुड बी आइडियली फॉर 10 seconds। अभी आप बिकॉज सीख रहे हैं तो इट्स ओके, बट जितना आप पीछे की ओर स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और जब स्ट्रेच करेंगे इसको होल्ड करेंगे, जब आप निकाल रहे हैं श्वास तो उस टाइम पे दिस शुड बी रिलैक्स्ड, योर मसल्स शुड बी रिलैक्स्ड। दिस इज फॉर योर अपर चेस्ट, ये ऊपर की चेस्ट की बात हो गई, ठीक है। अभी ये चीज हमें स्टमक के लिए करना है, तो सेम चीज रहेगी, पर हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ चेस्ट को पीछे की ओर पुश किया। वहां हम क्या करेंगे, दोनों हाथ को लेंगे और स्टमक के ऊपर रखेंगे, राइट, और हम स्टमक को
स्टमक का जो पोर्शन है उसको अंदर की तरफ दबाएंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. नाउ व्हेन वी विल डू दिस थिंग, व्हेन वी आर अगेन वी आर ब्रीदिंग इनसाइड, और हमें फिर उस सांस को छोड़ना नहीं है, वो भरी हुई सांस से ही हमें स्टमक को दबाना है. और जब हमें हमें लग रहा है कि अब मैं ज्यादा होल्ड नहीं कर पाऊंगा, तो हम धीरे धीरे सांस छोड़ देंगे और स्टमक को भी रिलीज कर देंगे. तो वो हमारा हो जाएगा गिविंग टेंशन टू द स्टमक एंड देन स्लोली रिलैक्सिंग. दैट्स वाई, और हम टेंशन जानबूझ के दे रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम है अटेंटिव टेंशन एंड रिलैक्सेशन. दिस इज अ काइंड ऑफ लुब्रिकेशन टू योर मसल्स. इसका मसल्स का टोनिंग होता है इसकी वजह से. और अगर आपका मसल बहुत एक पोजिशन में बैठे हैं और बहुत टाइम तक एक ही पोजिशन की वजह से स्ट्रेन या पेन में है, अकड़ गया है, स्टिफनेस आ गई है, तो दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प रिलीव योर बॉडी मसल्स. दैट्स वाई वी हैव टू डू दिस थिंग. ओके, सो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे, सांस भरेंगे, फिर हम दोनों हाथ जो है उसको स्टमक के ऊपर रखेंगे और स्टमक को अंदर की तरफ पुश करेंगे. जब हमारा इनफ होल्डिंग हो गया है तो उसको रिलीज करेंगे. फ्यू थिंग्स एवरीबडी हैज टू नोट, कोई भी एक्सरसाइज कभी भी जल्दी में नहीं करेंगे. इट शुड नॉट बी रैपिड एनी एक्सरसाइज. ओके, पर्टिकुलरली अगर वो ब्रीदिंग से रिलेटेड है तो आपको उसको आराम से करना है, उसको बिल्कुल भी जल्दी से नहीं करेंगे. ठीक है, धीरे धीरे ही उस एक्सरसाइज को करेंगे. तो एक चेक देते हैं कि कैसे स्टमक के साथ करेंगे. राइट, सो आई एम जस्ट ब्रीदिंग इन. एक बार और कोशिश करेंगे, जब आप उसको पुश करेंगे, जस्ट होल्ड योर नो ब्रेथ और फिर धीरे से रिलीज करेंगे. ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज फॉर द स्टमक. सो हमारा चार एक्सरसाइज हो गया ये. राइट, नाउ दिस हैज टू बी डन फॉर योर लेग्स ऑल्सो. सो अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, तो जैसे हमने सेकेंड एक्सरसाइज में दोनों हाथों को ऐसे करके हमने दूर की तरफ धकेला था, वैसे ही आप लेग्स को थोड़ा ऊपर कर लीजिए और पुश कीजिए. लेग्स के जो पंजे हैं उसको दूर की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिए. सो पैरों के जो पंजे हैं वो स्ट्रेच होंगे, उसके ऊपर टेंशन आएगा और फिर उसको आप धीरे से रिलीज करेंगे. तो ये आपका फुटवर्क हो गया. ठीक है, जिन लोगों को घुटनों का दर्द रहता है या फिर ऐसा है कि स्ट्रेट लेग्स नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट यूज टू एक्सरसाइजिंग, तो क्या करेंगे, आप घुटनों के नीचे अपने दोनों हाथ रख दीजिए फॉर सपोर्ट, और फिर अपने पैर को थोड़ा ऊपर करके यू जस्ट नो रेज योर फुट एंड ट्राई टू पुश इन. तो आपकी जो पैर की उंगलियां हैं वो अंदर की तरफ खींचेंगे, तो नीचे के जो मसल्स हैं, पैर के जो काफ मसल्स हैं, ओके, वो मसल्स को आप टेंस कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा कि वो मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू ऑल दीज मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइजेस यूजिंग दिस 5-6 कॉम्बिनेशंस. ओके, एंड दिस इज नोन एज अटेंटिव नो टेंशन एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज. सो जभी भी आप लंबा काम कर रहे हैं तो आप इसको कीजिए. दिस कैन बी डन ऑन रेगुलर बेसिस ऑल्सो. भले आप ऑनलाइन काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर आप ये करते रहेंगे तो आपका मसल टोन मेंटेन रहेगा, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, स्टिफनेस नहीं आएगी. इट्स अ वेरी गुड टेक्निक एंड इट हार्डली टेक्स टाइम. अगर आप 6 या 5 एक्सरसाइज गिन रहे हैं, तो 5 एक्सरसाइज में 10 सेकेंड तक अगर आप ये कर रहे हैं और 5 सेकेंड या 10 सेकेंड उसको करने के लिए कर रहे हैं और 10 सेकेंड हुए हैं, तो 20 सेकेंड से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं लेता है, तो 3 या 5 मिनट के अंदर आप पूरा एक्सरसाइज कर लेंगे. सो इट्स वेरी गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ रिलैक्सेशन व्हेन यू आर वर्किंग इन. राइट, सो फ्रॉम दैट लेट्स कम डाउन टू अवर नो सेक्शन ऑफ नो व्हाट एग्जैक्टली दिस ब्रेक्स आर मेंट फॉर, व्हाई वी आर इन नीड ऑफ द ब्रेक्स. ओके, सो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, काम के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ब्रेक के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं. सो आज मैंने सोचा कि दिस शुड बी नो वन विच वी नीड्स टू डिस्कस के ब्रेक क्या होता है. राइट, जितना असेंशियल आपका काम है उतना ही असेंशियल ब्रेक है.
दिस इज नो यस, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी कि भाई चलो कोई तो है जो हमारे ब्रेक के बारे में बात कर रहा है. पर स्टूडेंट्स को भी ब्रेक में क्या करना है वो जरूरी है, तो वो भी देखेंगे कि भाई ब्रेक में सिर्फ सो गए लंबा होके नहीं, देर आर टेक्निक्स मीन्स एंड सम पर्टिकुलर मैथड्स जिस जो अगर आप यूज करेंगे तो ही ब्रेक यूजफुल है, अदरवाइज उस ब्रेक का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, राइट. पर जो लोग बहुत डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, सिंसियर हैं, और लंबा टाइम तक जब तक अपना काम खत्म नहीं होगा खड़ा नहीं होऊंगा, मेरा होमवर्क नहीं हो गया मैं उठूंगा नहीं, वो लोग को ये जानना जरूरी है कि प्लीज ब्रेक को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए. ये बहुत जरूरी है कि आप ब्रेक का सही इस्तेमाल करें. क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रेक अगर आप अच्छे से लेंगे तो आपने जो वर्क करना है उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. सो ये साइंस ऑफ ब्रेक होता क्या है, क्या क्या जरूरत है इस ब्रेक की, ओके, व्हाई आर वी नीड ऑफ दिस. सो ब्रेक का एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस जो साइंस ने आइडेंटिफाई किया है वो है मूवमेंट ब्रेक्स. नाउ मूवमेंट ब्रेक्स माने क्या? सो मूवमेंट ब्रेक्स माने अगर आप लंबा टाइम एक ही पोजिशन में बैठे रहते हैं विदाउट एनी मूवमेंट्स तो सर्कुलेशन वगैरह और आपका मसल स्टिफनेस का प्रॉब्लम तो होगा ही, पर यू कैन बी अ पेशेंट ऑफ ओबेसिटी, यू कैन आई नो इन इन डेज टू कम, इन ईयर्स टू कम कैन रिस्क योर सेल्फ इन हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, डिप्रेशन एंड ओबेसिटी, राइट. सो हमें वो नहीं करना है. एंड इसमें आपका इमोशनल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए मूवमेंट ब्रेक लाना जरूरी है. सो दैट्स व्हाई सिटिंग इन वन पोस्चर या स्टैंडिंग फॉर वन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड इज नॉट गुड. यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर मूवमेंट. सो दैट्स व्हाई ब्रेक इज इंपॉर्टेंट. सो यू गिव योर सेल्फ मूवमेंट ब्रेक. सेकेंड थिंग इज देर आर इश्यूज दैट हैव कम अप इन साइंस विच आर नोन एज डिसीजन फटीग. नाउ डिसीजन फटीग, फटीग माने क्या? बहुत ज्यादा थक जाना, उसको फटीग बोलते हैं. आप बॉडी माइंड नो इमोशन हर तरीके से यू आर ड्रेन्ड आउट, टोटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो उसको बोलते हैं फटीग. तो डिसीजन फटीग होता है जब आप ब्रेक्स नहीं लेते हैं, राइट. सो इफ यू आर वर्किंग कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम देन व्हाट विल हैपन इज दैट यू विल स्टार्ट डेवलपिंग नो नॉट टू टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन. सो व्हाट यू डू इज के जहां आपको सोचना है क्रिटिकली टू टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन, आप उसको टालेंगे, उसको उसके ऊपर सोचेंगे नहीं, और उसमें जो सिंपल येस नो हो जाएगा वो येस नो से ही काम चलाएंगे एंड दैट माइट एंड अप इन टू बैड डिसीजन मेकिंग. सो दैट्स नोन एज डिसीजन फटीग बिकॉज यू आर टायर्ड. सो यू डोंट वॉन्ट टू पुट योर ब्रेन्स इन टू थिंकिंग कि मैं इस पर्टिक्युलर सिचुएशन में क्या डिसीजन लू. तो अगर आप ब्रेक्स ले रहे हैं तो डिसीजन फटीग से बच जाते हैं. So that's our second, no, important aspect of why breaks are essential. Third thing is they are very important to restore your motivation, particularly for, no, long-term breaks. Sorry, long-term goals. So, अगर आपको आप चाहते हैं कि नो आपको कोई पर्टिकुलर कैरियर गोल है अचीव करना है या आपको कोई पर्टिकुलर सक्सेस चाहिए इन योर वर्क, तो इन दैट केस योर मोटिवेशन हैज टू बी देयर. मोटिवेटेड रहेंगे तो डिटर्मिनेशन बना रहेगा, डिटर्मिनेशन बना रहेगा तो हार्डवर्क करने की इच्छा होगी. तो ये मोटिवेशन रिस्टोर करने के लिए भी टाइम टू टाइम ब्रेक लेना बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स बीन फाउंड इन साइंस के जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपके इमोशंस को, आपके ब्रेन को एक टाइम गैप मिलता है एंड इट गिव्स अ टाइम टू रिस्टोर द इंटरनल एनर्जी. उसको एक रिजुविनेट करने के लिए नो काफी टाइम मिल जाता है, तो छोटा ब्रेक भी उसमें काम कर जाएगा. तो इसलिए वो आपका मोटिवेशन बढ़ाएगा टू डू गुड वर्क. अदरवाइज यू गेट ड्रेन्ड ऑफ इजिली एंड मे बी यू लूज द मोटिवेशन और फिर वो काम आप करेंगे ही नहीं. तो इसलिए ब्रेक लेना उतना ही जरूरी है, ठीक है. स्ट्रेस का लेवल घट सकता है, सो ब्रेक्स ऑल्सो इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी एंड योर क्रिएटिविटी. सो इफ यू डू नॉट हैव स्ट्रेस, यू आर नॉट एग्जॉस्टेड, यू आर इन अ रिफ्रेश्ड मूड, यू आर एबल टू रीप्लेनिश योर मेंटल रिसोर्सेज, देन इट बिकम्स ईजी टू वर्क एफिशियंटली. सो दैट्स अगेन अ रीजन वाई यू आर सपोज टू टेक द ब्रेक्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज वेकिंग रेस्ट. वेकिंग रेस्ट माने क्या कि जब आप नो ब्रेक्स लेते हैं तो आपकी मेमोरी और लर्निंग पावर भी इम्प्रूव होती है बिकॉज आई एज आई टोल्ड यू कि ब्रेन गेट्स टाइम टू कोऑर्डिनेट नो इट्स इंटरनल मैकेनिज्म. तो उसकी वजह से क्या होगा
कि आप आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हैं, जो पढ़े हैं वो आपको याद रहेगा, वरना भूल जाने की नो शक्यता बढ़ जाती है. सो देर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ नो नॉट टेकिंग ब्रेक ऑन टू योर मेमोरी. सो डू टेक द ब्रेक्स, ओके? दैट्स वेरी वेरी असेंशियल. दैट इज वॉट इज द नो एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग द ब्रेक. अब द प्रॉब्लम आती है कि ब्रेक कैसे लेना चाहिए. हाउ डू आई नो कि मैं सही तरीके से ब्रेक ले रहा हूँ या ले रही हूँ या नहीं. तो कुछ एक चीजें तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे अगर आपको ब्रेक मिल गया तो आपने जाके पानी पीना है, विच इज वेरी असेंशियल. आप उठिए और डेलिब्रेटली उठिए, अपने पास पानी लेके मत बैठिए. तो पानी पीने के बहाने उठेंगे ब्रेक में, तो उतना आपका वॉकिंग हो जाएगा. सो यू डू सम सिंपल थिंग्स कि जहां आपका वर्क स्टेशन आपने बैठना शुरू किया है, बनाया है कि मैं यहाँ से काम करने वाला हूँ या मैं यहाँ बैठ के पढ़ने वाला हूँ, तो वहां से थोड़ा डिस्टेंट पे आप अपना थोड़ा बहुत मंचिंग वाला फूड रख दीजिए. पॉपकॉर्न रख दिया या आपका ड्राई फ्रूट्स रख दिया, ठीक है, या कोई फ्रूट रख दिया, और वहां पे ही आप पानी रखिए. सो आप वहां तक जाएंगे एंड फॉर दैट यू विल वॉक. सो टेक अ राउंड इन द हाउस, घूम के आइए एक फटाफट एक राउंड अस इन योर ब्रेक, ओके? कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, वेरी असेंशियल. क्यों हाइड्रेट रखना है? क्योंकि जो आपका स्पाइन है दैट रिक्वायर्स टू बी लुब्रिकेटेड, उसका लुब्रिकेशन बहुत जरूरी है. और वो लुब्रिकेशन तभी होगा जब आप आइडियली पानी पियेंगे. सो यू नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ वॉटर वेन यू आर वर्किंग ऑनलाइन, ओके? ऑल्सो इट्स अ रिफ्रेशिंग एस्पेक्ट फॉर योर ब्रेन. सो हैव वॉटर, ओके, इन योर ब्रेक. सो ब्रेक में ये चीजें तो कॉमनली करेंगे. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने बेड पे जाइए और जस्ट लाई डाउन, सीधे लेट जाइए फॉर 1-2 मिनट्स, ओके? रिलैक्स योर हैंड्स, गिव नो रिलैक्सेशन टू योर हैंड्स. सो हैंड्स को रिलैक्स कर दीजिए एंड यू कैन डू सम ब्रीदिंग अवेयरनेस टेक्निक, ओके? ब्रेथ ब्रेथ वॉचिंग, माइंडफुलनेस का टेक्निक आप यूज कर सकते हैं. सोते सोते भी आप अपना जो ये अटेंटिव रिलैक्सेशन स्ट्रेच वाला जो मैंने सिखाया वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, या सिंपली जस्ट रिलैक्स. बट यू हैव टू सी टू इट दैट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योर वर्क. जो अभी आपने किया था काम, वो उसको सोचना नहीं है. कई लोग क्या करते हैं, फिजिकली रिलैक्स कर रहे हैं पर मेंटली तो वो काम में ही है, तो नहीं करना है उसको, नहीं देखना है, राइट? सो उसको अवॉइड कीजिए. जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में मत सोचिए. अदरवाइज अगर नहीं माने कम कर पा रहे हैं थिंकिंग, तो आप कोई एक गाना सुन लीजिए, कोई एक अच्छे वाला मोटिवेशनल थॉट पढ़ लीजिए, किसी से जाके घर में बात कर लीजिए, राइट? अगर आपका कुछ पेंडिंग काम है जो आपको फोन पे किसी से बात करके निपटाना है, तो वो आप बीच में कीजिए ब्रेक में, सो दैट यू गेट अ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क ऑन योर लैपटॉप और योर एक्चुअल वर्क, तो वो एक कम हो जाएगा, ठीक है? सो दैट इज हाउ यू कैन मैनेज. इन बिटवीन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटे छोटे ब्रेक में अपना काम चेंज कीजिए. सो अगर आपको लैपटॉप पे काम करना है तो कंटिन्यूअस टाइपिंग मत कीजिए. थोड़ा टाइपिंग टाइपिंग किया, फिर बीच में किसी का फोन अटेंड कर लिया, ठीक है, फिर बीच में कुछ पढ़ लिया. सो यू गिव वेरिएशन इन योर वर्क व्हेन यू आर वर्किंग, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ ब्रेक, ओके? हमें एक ही काम कंटिन्यूअस पढ़ना, देखते रहना स्क्रीन पे, नहीं. कंटिन्यूअस टाइपिंग करते रहना, नहीं, ठीक है? कंटिन्यूअस एक ही चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट से सुनते रहना, नहीं. कोई भी चीज लंबी नहीं चलनी चाहिए, बीच बीच में हमें हमारा मूवमेंट चेंज करना है, फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो. सो दैट गिव्स यू एन आइडियल सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक. सो दिस इज सिंपल टिप्स के कैसे करेंगे. अब हमें ब्रेक को कैसे डिवाइड करना है. सो इन साइंस यू हैव 4-5 different techniques to know divide your break periods or make yourself breaks. So वो क्या चीजें हैं, तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 2-3 नो 4 different break methods. तो एक जो ब्रेक मेथड है उसको बोलते हैं पोमोडोरा मेथड, पोमोडोरा टेक्निक या पोमोडोरा मेथड. इट इज ऑल्सो अ वेरी यूजफुल मेथड फॉर टाइम मैनेजमेंट, राइट? उसको टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से यूज करते हैं. और ये पोमोडोरा क्या होता है, पोमोडोरो इट्स अ सॉर्ट ऑफ नो जिसने इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था इस टेक्निक को, ओके? सिरिलो करके एक नो साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, बट सिरिलो करके नो 1980s में देर वॉज अ पर्सन हु हैड नो डिस्कवर्ड दिस टेक्निक फॉर हिमसेल्फ. अपने लिए ये डिस्कवर किया गया था. उसके पास एक टोमेटो शेप का अलार्म क्लॉक था,
तो उसने इस उसको ज्यादा यूज किया इस टेक्निक के लिए। उस अलार्म क्लॉक में वो हर 25 मिनट्स के बाद अलार्म बजे 5 मिनट के लिए, ऐसा सेटिंग करता था। तो इसलिए उसको नो ये पोमोडोरा बोल दिया उस अलार्म को, एंड फ्रॉम दैट द वर्ड हैज कम पोमोडोरो टेक्निक। सो दिस पोमोडोरो में हम क्या करते हैं, एवरी 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, सो 5 मिनट, फिर वापस 25 मिनट्स काम किया, फिर वापस 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट्स। सो यू गो बाय 25 मिनट्स वर्क प्लस 5 मिनट्स ब्रेक। दैट्स वन पर्टिकुलर वे टू यूटिलाइज दिस। ओके, सो वी हैव नो गिवन 5 मिनट्स ब्रेक, एंड इन दैट 5 मिनट्स ब्रेक यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, टेक अ वॉक, गो फॉर योर नो ड्रिंकिंग ऑफ द वॉटर, मे यू मे इवन वॉश योर फेस। ओके, अपनी अपना मुंह धो लीजिए, किसी से बात कर लिया, या फिर मैंने कोई न्यूज़पेपर वाला आइटम पढ़ लिया, समथिंग अवे फ्रॉम माई इंस्ट्रूमेंट। मैं अपना फोन या लैपटॉप नहीं यूज करूंगी उस 5 मिनट के अंदर, कुछ और ही करूंगी। आई विल बी अवे फॉर 5 मिनट्स फ्रॉम माई इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग्स। एंड दिस यू कैन यूटिलाइज वेन यू आर गोइंग टू डू योर असाइनमेंट्स, जब आपके ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते हैं या आपका कोई पर्टिकुलर मीटिंग नहीं है और आपको कुछ एजेंडा कंप्लीट करना है, तो आप बैठे हैं 1 घंटे के लिए, तो अपना 1 घंटा डिवाइड कर लीजिए कि 25 मिनट के बाद मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, वापस 25 मिनट काम करूंगा, 5 मिनट का ब्रेक लूंगा। दिस हेल्प्स योर इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक। सपोज ये आपको सूट नहीं कर रहा है इन योर शेड्यूल, जो भी आप काम कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर द सेकेंड पर्टिकुलर ऑप्शन, एंड दैट इज 90 मिनट वर्क ब्लॉक। ओके, दिस वॉज ऑल्सो सजेस्टेड बाय अ स्लीप रिसर्चर, विलियम डिमेंट ने इसको सजेस्ट किया था, राइट, एंड नेथन क्लेटमैन करके थे, उन्होंने इसको सजेस्ट किया था। इट्स बेस्ड टोटली ऑन द अल्ट्रा रेडियन रिदम्स ऑफ योर बॉडी। सो व्हाट डज दिस मीन, अल्ट्रा रेडियन रिदम्स? हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, जिसकी जो हमारे हर एक ऑर्गन से रिलेट करता है। हर एक ऑर्गन का एक अपना एफिशिएंसी टाइम होता है और उसका एक रिलैक्सेशन का टाइम होता है, तो इसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक में इंक्लूड करते हैं। इसमें हमारा स्लीप क्लॉक भी आ गया, सर्काडियन रिदम आ गया, ठीक है। अब जब ये 24 आवर्स का हमारा जो दिन चलता है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर टाइमिंग या क्लॉक काम करता है, उसको हम ये चीज से उसको जानते हैं, दैट इज अल्ट्राडियन रिदम्स। सो अल्ट्राडियन रिदम्स आर द रिदम्स विच आर शॉर्टर इन सर्काडियन रिदम्स, एंड दे आर फॉर 24 आवर्स। वो 24 आवर्स में कई बार उसकी साइकिल चलती है, ऊपर आएगा फिर वो कम होगा, वापस ऊपर आएगा कम होगा, वो साइकिल चलती रहती है। इट्स अ पैटर्न। सो वी हैव अ पैटर्न नो फॉर 90 मिनट्स टाइम इन अवर बायोलॉजिकल क्लॉक। सो वी एफिशियंटली वर्क फॉर 90 मिनट्स। ओके, और उसके बाद में हमें 20 मिनट्स का ब्रेक देना है। तो आप एक ही साथ में एक साथ पूरा कंटिन्यूअस 90 मिनट्स काम कर लिया, देन व्हाट यू डू इज देन यू गिव द ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स। सो दिस इज नोन एज बेसिक रेस्ट एक्टिविटी साइकिल, इसको ऐसे भी बोलते हैं, 90 मिनट्स ब्लॉक टाइम या फिर बेसिक रेस्ट एक्टिविटी साइकिल। सो उसमें 90 मिनट्स काम किया, 20 मिनट का ब्रेक लिया, वापस 90 मिनट्स का काम किया, 20 मिनट का ब्रेक लिया। दिस इज हाउ यू कैन वर्क। दिस इज गोइंग इन द रिदम ऑफ योर दैट पर्टिकुलर अल्ट्राडियन रिदम्स। सो ये हमारे क्लॉक के साथ मैच होता है इंटरनली, तो दैट ऑल्सो वर्क एंड इंक्रीजेज योर एफिशियंसी इन अ वेरी वेरी गुड वे। सो दैट्स अगेन अ डिफरेंट वे टू यूटिलाइज द नो ब्रेक टाइम। आप कैसे अपना ब्रेक टाइम सेट करने वाले हैं, उसको इस मेथड से आप डिजाइन कर सकते हैं। थर्ड वे टू डू इज दैट यू वर्क फॉर 52 मिनट्स एंड टेक अ ब्रेक ऑफ 17 मिनट्स। नाउ दिस इज वेरी ऑकवर्ड, यू माइट से ये ऐसे थोड़ी होता है, हाउ कैन यू से 52 मिनट्स एंड 17 मिनट्स। सो देर आर रिसर्चेस दैट वी आर वर्किंग यू नो एफिशियंटली, वी कैन वर्क फॉर 52 मिनट्स। इफ यू आर हैविंग सम फोकस्ड वर्क, तो आप 52 मिनट्स का काम कर सकते हैं, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक फोकस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, राइट। एंड अवर ब्रेन, पर्टिकुलरली जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का पोर्शन होता है, वो बहुत यूज होता है जब हम कोई फोकस्ड काम करते हैं। सो फोकस्ड काम माने क्या? सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, देन योर वर्क इज टू फोकस ऑन टू योर स्टडीज। सो वहां आपकी मेंटल एबिलिटीज चल रही है ना, वहां आपका माइंड का सारा, ब्रेन का सारा कॉग्निशन इस्तेमाल हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेन यू आर यूजिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स,
यू आर वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस्ड, ब्रेन काफी इस्तेमाल हो रहा है. तो ब्रेन की एफिशिएंसी आप कब तक इस्तेमाल कर पाएंगे? 52 मिनट्स तक. ओके, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, राइट? सो दैट्स व्हाई इट इज बीन आउट ऑफ रिसर्च इट्स सेड कि 52 मिनट्स काम करेंगे तो 17 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, 17 नॉट 70. ओके, सो 17 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, राइट? दैट इज अगेन अ डिफरेंट वे टू डू. या फिर आप छोटे छोटे 15 15 मिनट के ब्रेक ले सकते हैं. दैट इज ऑल्सो वर्किंग विथ यू नो इन प्रोडक्शन ऑफ योर और इन इंक्रीज ऑफ योर प्रोडक्टिविटी वेन यू आर वर्किंग. फिर ये तो हमारे अलग अलग सिस्टम हो गए कि ऐसे यूजुअली साइंस बोल रहा है कि इस तरीके से ब्रेक लेना चाहिए. बट फिर हमें हमारे शरीर और मन और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है टू अंडरस्टैंड विच ब्रेक टाइम एंड हाउ मच ब्रेक टाइम इज गुड फॉर यू, राइट? सो इन ऑल दीज फोर डिफरेंट टाइप्स यू मे नॉट यूटिलाइज एनी ऑफ दिस और मे बी एनी वन यू विल फाइंड इट सूटेबल फॉर यू. बट द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई इज चेक योर सेल्फ कि आपको क्या लग रहा है, कौन सा ब्रेक और किस तरीके से आप ब्रेक बनाते हैं तो वो आपके बॉडी को ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है, आपके ब्रेन को रिलैक्स कर रहा है और आपके मूड को एनहेंस कर रहा है. तो उस किस्म का ब्रेक आपको लेना है. बट ब्रेक लेना जरूरी है. ओके, यू मस्ट टेक द ब्रेक. दैट इज वाई नो वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट द ब्रेक. सो दिस आर ऑल डिफरेंट वेज एंड मीन्स के आप कैसे ब्रेक लेंगे. इवन टेकिंग अ स्मॉल नैप. ओके, दोपहर में एक 15 20 मिनट सो लिया, वो भी काम कर जाएगा, राइट? क्विक वॉकिंग, डूइंग सम एक्सरसाइजेस, वी आर नाउ कमिंग ऑन टू दैट. मैं आपको थोड़ा स्ट्रेचिंग सिखा रही हूँ, तो ब्रेक के दौरान आप वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए तो भी वो एक किस्म का ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? एंड नो मंचिंग समथिंग, कीपिंग समथिंग इन योर नो माउथ, यू इंक्रीज योर दिस सर्कुलेशन ऑफ योर नो द फेस. सो दैट ऑल्सो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल इफ यू आर डूइंग इट इन द ब्रेक, राइट? सो आइडियली यू हैव टू अंडरस्टैंड योर बॉडी. अपने आप को समझिए कि मैं किस पोजिशन में बैठा हूं, बैठी हूं, मुझे किस तरीके के पेन हो रहे हैं, स्टिफनेस आ रही है और कब मैं थक जाता हूँ. हम क्या करते हैं, वी गेट सो मच एंग्रॉस्ड इन द स्क्रीन दैट वी फॉरगेट कि मैं थका या नहीं. फिर क्या होगा, 1 2 घंटे के बाद कोई आपको बुलाएगा या आपको कंपलसरी मम्मी या पापा या कोई उठाएगा तो आपको रियलाइज होगा कि आप थक चुके हैं. सो दैट इज नॉट गुड. यू हैव टू बी अलर्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि आपका बॉडी आपको क्या सिग्नल दे रहा है, आपका ब्रेन कब थक रहा है. ओके, सो उसको एक अच्छी हैबिट डालिए. दिस आर ऑल योर डिजिटल हेल्थ एंड हाइजीन हैबिट्स. इफ यू इम्प्रूव अपॉन दिस द टेक्नोलॉजीज आर गोइंग टू बी वंडरफुल. कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती है. प्रॉब्लम कहाँ आ रही, प्रॉब्लम हमें उसे यूज करना नहीं आता है, हमें उसे राइट वे में यूज करना है. यस, समबडी सेइंग वी कैन डू प्रेयर, यू कैन डू प्रेयर, यू मे मेडिटेट, यू मे डू सम स्मॉल ब्रीदिंग एक्सरसाइज. कुछ नहीं आ रहा है तो आप डीप ब्रीदिंग करिए बैठ के, राइट? पर आप वो स्क्रीन, वो इंस्ट्रूमेंट से दूर चले जाइए, उसको टाइम बिंग छोड़ दीजिए. 5 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया, गो समवेयर एल्स एंड देन यू डू योर ब्रीदिंग. ओके, अपने भाई बहन से बात कर लिया, मम्मी से बात कर लिया, कोई रिलेटिव से बात कर लिया, ऑफिस ऑफिशियल कुछ बात करनी है तो ऑफिस मैटर्स का फोन कर लिया. डिजाइन योर वर्क इन सच अ वे दैट यू आर नॉट डूइंग मोनोटोनस वर्क. ओके, उसको स्टीरियोटाइप मत बनाइए. उसमें काफी सारे ऐसे पॉइंट्स डालिए कि यू आर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट वेज ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. दैट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू. इट्स ऑल अबाउट बीइंग अलर्ट. ओके, और यही तो आपका न्यू नॉर्मल चेंज होगा. नई आदतें ही तो हमें न्यू नॉर्मल की तरफ लेके जाएंगी, ठीक है? तो जब हम अपने आप को इस तरह से ढालेंगे तो हमारे लिए कोई क्लास, कोई काम दिक्कत वाला नहीं होगा. हमें उसे करेक्ट वे से लेके जाना है, ठीक है? सो दैट इज अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेस, हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर स्ट्रेस, राइट? एंड यू कैन इवन डू योर टाइम मैनेजमेंट. सो आप जब पर्टिकुलर नो ये ब्रेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दिन में भी तो पूरे दिन में आपका टाइम डिवाइड कर दीजिए कि आप कितना टाइम ऑनलाइन बैठेंगे, कितना टाइम ऑफलाइन रहेंगे, राइट? जितना टाइम ऑनलाइन है उसमें आप क्या कर रहे हैं आइडेंटिफाई कीजिए. आर यू डूइंग ऑनलाइन क्लास, यू आर डूइंग ऑनलाइन लेक्चर, यू आर डूइंग एन ऑनलाइन मीटिंग, राइट? उसमें कितने आवर्स जा रहे हैं. फिर आपको जो असाइनमेंट या होमवर्क मिला है उसमें आपका कितना टाइम जाएगा उसको डिवाइड कीजिए. पहले समझिए कि आपका कितना टाइम जाने वाला है, उसका एक शीट तैयार कीजिए, ठीक है? फिर
हम तो सिर्फ इतना करते हैं ऑनलाइन, ऐसा तो नहीं है, फिर अपने फ्रेंड्स होते हैं सोशल मीडिया पे, हमें वो भी तो करना है, उनके साथ चैटिंग करनी है, फेसबुक यूज करेंगे, इंस्टाग्राम यूज करेंगे, ठीक है ना, स्नैपचैट यूज करेंगे, वो सोशल मीडिया का टाइम भी तो ऑनलाइन में ही जाएगा, तो वो कितना जा रहा है वो आप पहले डिसाइड कीजिए. देन इट्स नॉट ओनली अबाउट फोन, इट्स ऑल्सो अबाउट टेलीविजन, वी आर ऑन टू टेलीविजन, सो टेलीविजन आप कितना देख रहे हैं, वो भी तो देखने वाली चीज हुई, स्क्रीन वाली चीज हुई, तो वो आइडेंटिफाई कीजिए, राइट, एंड डिजाइन योर टाइम कि मैं कितना ऑनलाइन रह सकता हूँ, कितना ऑफलाइन रह सकता हूँ, कितना मुझे रहना जरूरी है, प्रायोरिटाइज कीजिए. क्या आप इसमें से कुछ चीजें कम कर सकते हैं टू हेल्प योर बॉडी, योर योर हेल्थ, योर आईज, तो उसको अच्छे से डिजाइन करके उसको कम कीजिए या फिर उसको डिवाइड कीजिए. 1 घंटा मैंने ऑनलाइन किया तो दूसरा 1 घंटा मैं ऑफलाइन हूँ, फिर वापस 1 घंटा मैं ऑनलाइन हूँ तो उसके बाद का घंटा मैं ऑफलाइन हूँ. सो यू गिव बैलेंस टू योर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आवर्स, जस्ट डोंट डू इट कंटिन्यूअसली ऑनलाइन. ओके, सो मेरा क्लास खत्म होने के बाद भी अगर मैं सोशल मीडिया पे ऑनलाइन हूँ तो दैट्स नॉट गुड. इफ योर क्लास हैज जस्ट ओवर आफ्टर 2 आवर्स, गिव अ ब्रेक, खाना वाना खा लो, ठीक है, थोड़ा नींद ले लो, कुछ पढ़ लो, उसके बाद तुम सोशल मीडिया को आधा घंटा दो, फिर ब्रेक ले लो, चाय वगैरह पी लिया, फिर उसके बाद तुम टेलीविजन देखो, समथिंग लाइक दैट, राइट. इन ऑफलाइन आवर्स यू शुड बी टोटली ऑफलाइन, सो यू शुड नॉट सी एनी नोटिफिकेशन, यू शुड नॉट गो थ्रू योर एनी काइंड ऑफ मैसेजेस, इट शुड बी डेडिकेटेड ऑफलाइन आवर, टेलीविजन भी नहीं, कुछ नहीं. ऑफलाइन माने कोई भी और एक्टिविटी कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कोई क्रिएटिविटी कीजिए, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, जो भी आपको अच्छा लगे, पर बिना इंस्ट्रूमेंट के, बाहर निकलिए इंस्ट्रूमेंट से, वो आपके ऑफलाइन आवर्स होंगे. दैट इज ऑल्सो गिविंग यू अ ब्रेक. ओके, सो योर ऑफलाइन आवर्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ ब्रेक फॉर यू, राइट, सो दैट यू हैव टू क्रिएट, मेक इन योर हाउस और इन योर वर्क प्लेस, जहां से भी आप अपना काम करें, जो भी रूम वगैरह, आप देखिए कि आपके पास एक फोन फ्री जोन हो या फिर आपके पास एक स्क्रीन फ्री जोन हो, उस एरिया में कोई भी घर का व्यक्ति फोन वगैरह कोई भी डिवाइसेस लेके नहीं आएगा. ओके, खाना खाने बैठेंगे तो उस टाइम पे एक भी गैजेट्स लेके नहीं बैठेंगे, प्लीज बी फ्री ऑफ दैट. ओके, नॉट इवन टेलीविजन, मेनी हैव द हैबिट ऑफ नो वॉचिंग टेलीविजन एंड टेकिंग द मील्स, तो वो ऑनलाइन ही हुआ. ओके, सिर्फ स्क्रीन बदल रही है और कुछ नहीं, सो डोंट पुट योर सेल्फ इन ट्रबल्स. मील के टाइम पे कॉन्सेंट्रेट ऑन फूड, डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन टेलीविजन सेट्स. दिस विल हेल्प इन एनहेंसिंग योर सिस्टम, इट विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ योर ब्रेन कैपेसिटी. आपकी ब्रेन कैपेसिटी पे इसका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है, मैं आपको आगे जाके स्क्रीन टाइमिंग के बारे में बताऊंगी, ठीक है, पर ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करेंगी जब आप अपना वर्क शेड्यूल या अपना क्लास शेड्यूल दिन को प्लान कर रहे हैं. एंड दिस प्लानिंग इज गोइंग टू बी अ सॉर्ट ऑफ हेल्प फॉर योर टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो, हाउ यू आर गोइंग टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम, नो द 24 आवर्स डे दैट यू आर गोइंग टू हैव, राइट. सो लेट्स गिव अ ब्रेक टू अवर सेल्फ आफ्टर सो मच ऑफ टॉक. सो अब हम क्या करेंगे, हम एक और एक्सरसाइज करेंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी रिलेटेड टू द स्ट्रेचिंग. हम बैठे बैठे कैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ओके, सो आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट, एंड उसके बाद हमें आई एक्सरसाइजेस भी आगे जाके देखनी है, बिकॉज आईज आर द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन विच इज गेटिंग अफेक्टेड व्हेन वी आर ऑनलाइन, राइट. सो जब हमें स्ट्रेचिंग करना है, हम शुरुआत करेंगे अपने फेस और अपने गर्दन से. ओके, सो आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्यू ऑफ द थिंग्स लुकिंग टू द लिमिटेशन ऑफ द टाइम. इफ यू वॉन्ट यू कैन डू दिस अलॉन्ग विथ मी, मेरे साथ आप कर सकते हैं या आप सिर्फ समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है. सो वी आर वेरी गुड इन मेकिंग फेसेस, राइट, ऑल ऑफ, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो हम बहुत सारे मुंह बनाते हैं, राइट, तो वो मुंह बनाने हैं दिस टाइम डेलिबरेटली. ओके, बिकॉज वेन यू आर मेकिंग फेसेस, ऑल योर मसल्स, ओके, दे आर गोइंग टू गेट स्ट्रेच्ड, रिलैक्स्ड, टेंशन में आएंगे, रिलैक्स करेंगे, तो जितने आप मुंह बना सकते हैं मुंह बनाइए. जब आप रिलैक्स हो रहे हैं तो मुंह बनाइए, अगर आपको शर्म आ रही है तो लिफ्ट योर नो हेड लाइक दिस और ऊपर की तरफ देख के आप जितने मुंह बना सकते हैं बनाइए. ओके, देन यू ऑल्सो मेक जिराफ फेस. नाउ व्हाट इज दैट जिराफ फेस? जिराफ फेस मीन्स यू नो जिराफ का चेहरा ट्राइंगुलर होता है, तो हमें उसे करना है. सो यू मेक जिराफ फेस अगेन लुकिंग अबाउट,
इफ यू आर फीलिंग कि कोई मेरे को देख के हंसेगा, तो यू सी अबाउ एंड जस्ट फेस, ओके। एंड उसके बाद ये जो कॉलर बोन यहाँ पड़ता है, इसको आपको होल्ड करना है, ऊपर की तरफ देखेंगे एंड स्ट्रेच। यूं स्ट्रेस करने से क्या होगा, यहाँ आपकी व्रिंकल्स जो होती हैं, यहाँ जो व्रिंकल्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, प्लस ये पूरा आपका स्ट्रेच हो रहा है, तो हमें स्ट्रेचिंग करना है, ओके, सो दैट अपने मसल स्टिफ नहीं हो जाए, राइट। सो ये हमारे चेहरे के लिए हुआ। देन उसके बाद क्या करेंगे, नेक का मूवमेंट। इफ यू रिमेम्बर इन योर स्कूल डेज यू आर टॉट सिंपल फिजिकल एक्सरसाइजेस, पीटी एक्सरसाइजेस आती थी फिजिकल ट्रेनिंग में, वो सारी यहाँ बहुत यूजफुल है अपने ब्रेक के लिए, ओके। तो उसको हमें रिवाइज करना है। सो व्हाट वी विल डू इज साइड मूवमेंट ऑफ द नेक, राइट। नाउ जब भी हम नेक का एक्सरसाइज करेंगे, द नेक एक्सरसाइजेस नीड्स टू बी डन वेरी स्लोली। इनफैक्ट सारी ही आप स्लोली कीजिए, एक भी एक्सरसाइज जल्दी से करने की जरूरत नहीं है। सो नेक एक्सरसाइज में हम अपनी गर्दन को चारों ओर घुमाएंगे, राइट। सो वन इज दिस, दिस इज वन थिंग। यू कैन ऑल्सो रोटेट, राइट, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन, बट वेन यू आर रोटेटिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ सकता है, तो आंखें बंद रखिए, आंखें खुली रखिए, मत रोटेट कीजिए। और नेक एक्सरसाइजेस की टाइम पे हो सके तो बैठ के नेक एक्सरसाइज कीजिए, सो दैट यू डोंट फॉल डाउन इफ यू आर फीलिंग गिडी, ओके। सो बैठे हुए ही आप कीजिए, तो अगर आप बाई चांस बैलेंस लूज कर गए तो भी यू आर सेफ, सो यू देर इज नो चांसेस ऑफ फॉलिंग डाउन, राइट। सो इन दैट केस जस्ट रोटेट, हर चीज को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, मिनिमम 5-5 टाइम्स करने की कोशिश कीजिए, सो दैट यू हैव लिटिल रिलैक्सेशन एंड दिस मसल्स गेट रिलीव्ड। नाउ दैट इज अबाउट द नेक, राइट। दूसरा, एक नेक के लिए क्या करना है, हाथ को आप कोई भी एक साइड पे रखिए एंड बेंड इट द अदर वे राउंड, ओके। एंड देन सेम थिंग, कीप दिस हैंड लाइक दिस एंड बेंड इट दिस वे। दिस इज वन वे टू टेक केयर ऑफ योर दिस पोर्शन। नाउ फॉर योर शोल्डर्स, सो शोल्डर्स में हमें श्रक करना है, ऐसे करना है फिर छोड़ देना है, ओके। वापस ऐसे करेंगे फिर छोड़ देंगे, ओके। एंड देन रोटेट योर शोल्डर्स, इसको रोटेट करना है, जैसे मैं फ्रंट से रोटेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगी। सो यू हैव टू डू दिस रोटेशन फॉर योर दिस पर्टिक्युलर शोल्डर्स, राइट। फिर क्या करेंगे कि अगर मेरे पास एक दीवार है और मुझे चढ़ना है, क्लाइंबिंग करना है, राइट, तो मैं हाथ से क्लाइंबिंग कैसे करूंगी, आई विल डू लाइक दिस। सो दिस इज वॉट इज द एक्सरसाइज अगेन फॉर योर शोल्डर्स, जस्ट डू लाइक दिस प्लेंटी मेनी टाइम्स, ओके। जहां तक आपको लगे आपके हाथ नहीं दुख रहे हैं, यू कैन जस्ट डू इट, दिस गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर दिस मसल्स। दूसरा क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, अगेन इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, सेम इज विद दिस पर्टिक्युलर हैंड, इसमें भी हम वैसे ही रोटेट करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। दिस ऑल थिंग्स मिनिमम यू शुड प्रैक्टिस फॉर एटलीस्ट योर 5-5 टाइम्स, इसको 5-5 बार हमें मिनिमम करना है, ठीक है। तो ये हमारा शोल्डर के लिए हुआ। नाउ अगेन द सेकेंड वे ऑफ डूइंग दिस इज पुश योर शोल्डर्स बैक, यू पुश करना है आगे पीछे, ओके। जो पुराने जमाने में वो दही और उसको मक्खन निकालने के लिए करते थे ना, वैसे हमें करना है, पुश करना है। दिस ऑल यू कैन डू इट सिटिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से बैठे बैठे करेंगे, बट दिस विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेच, ओके। देन अनदर थिंग इज, हाथ को ऊपर किया और ऊपर की तरफ खींचा, जैसे हमने पहले वाले में क्या किया था कि वी आर स्ट्रेचिंग द हैंड्स ऑन द साइड्स, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज पुशिंग इट अप, उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, सो अगेन दिस विल गेट रिलैक्स्ड, वेरी वेरी यूजफुल, ओके। एंड अगर आपके पास रूमाल वगैरह कुछ है तो आप ले लीजिए और इसको पीछे की तरफ एक हाथ से पकड़िए, जैसे मैंने ये पकड़ा है, दूसरे हाथ से नीचे से आप हो सके उतना ऊपर की तरफ आने की कोशिश कीजिए। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर पोस्चर, अगर आप बहुत बेंडिंग रहते हैं तो पोस्चर इंप्रूव करेगा, और जिसके शोल्डर में पेन रहता है,
ओके, जो ऊपर वाले शोल्डर्स हैं उसमें पेन रहता है, बैक में पेन रहता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो आप रूमाल से अपने दोनों हाथों को मिलाने की कोशिश कीजिए और खींचिए पीछे की तरफ। सेम इज विथ दिस हैंड, सो यू जस्ट होल्ड दिस अगेन, ओके, एंड मेक श्योर दैट यू हैव बोथ योर हैंड्स होल्डेड बाई टू पर्टिक्युलर, सॉरी, योर नैपकिन और योर टॉवल होल्डेड बाई टू हैंड्स, एंड अगेन स्ट्रेच इट, उसको वापस स्ट्रेच कीजिए। ओके, इससे क्या होगा कि ये कई लोगों का यहाँ स्टिफनेस बहुत रहता है बिकॉज दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑनलाइन, तो दैट स्टिफनेस विल स्लोली गेट डिजोल्व, और वो स्टिफनेस बढ़ेगा तो नहीं, आपको रिलैक्स फील कराएगा। तो ये आपके हेड, नेक और शोल्डर्स की मूवमेंट हो गई। ओके, फिर हम थोड़ा और डिस्कस करने के बाद देखेंगे कि पैर वगैरह के लिए भी स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स आपको करनी है। सो दिस ऑल यू कैन डू इट व्हेन यू आर इन दैट 5 मिनट्स ब्रेक और 10 मिनट्स ब्रेक, 15 मिनट्स ब्रेक, राइट? छोटे बच्चे हैं तो उनको सिखा दीजिए, ये तो खेल खेल में हो जाएगा स्ट्रेचिंग, राइट? सो वेरी वेरी नो इम्पोर्टेंट स्ट्रेचिंग। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो लाई डाउन ऑन द बेड एंड स्ट्रेच योर बॉडी। आपने अगर नो किसी कुत्ते को स्ट्रेचिंग करते हुए देखा है तो पूरा शरीर फैला के स्ट्रेच करता है। वी शुड डू दैट, ओके, सो दैट इट हेल्प्स अवर बॉडी रीगेन दैट सर्कुलेशन, स्टिफनेस रिलीज हो जाएगा, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, एंड ऑल दिस हेल्प्स इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ योर वर्क। देन यू विल नॉट हैव अ कंप्लेन कि मैं थक जाता हूं या थक जाती हूँ वर्किंग ऑनलाइन, राइट? सो दिस आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू दिस डिजिटल हेल्थ। वी नीड टू हैव द डिजिटल हाइजीन एंड नो काइंड ऑफ एटिकेट्स फॉर अवर डिजिटल हेल्थ, राइट? और इसकी वजह से जो हमें टेक्स्ट नेक बनती है, देर इज अ टर्म नो नोन एज पेन, नोन एज टेक्स्ट नेक, तो वो आपको नहीं आएगा। गर्दन का नो तनाव या गर्दन में दुखाव, वहां स्ट्रेन, पेन, स्टिफनेस नहीं आएगी, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड द टॉक्ड अबाउट नो इश्यू के स्क्रीन टाइम क्या होता है और स्क्रीन टाइम हमारा कितना होना चाहिए, राइट? सो स्क्रीन टाइम माने आप कोई भी डिजिटल डिवाइस के सामने कितने टाइम तक बैठे रहते हैं, ओके, वो स्क्रीन टाइम है, एंड दैट हैज काइंड ऑफ नोन नो यू कैन से इफेक्ट ऑन टू योर ब्रेन, उसकी ब्रेन के ऊपर पर्टिकुलर इफेक्ट रहती है। बट इतना डिटेल स्टडी एडल्ट्स के लिए अभी तक साइंस में नहीं हुआ है, बच्चों के लिए हुआ है। सो दैट्स व्हाई WHO ने गाइडलाइंस डिसाइड की है कि छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। सो इफ देर इज अ चाइल्ड इन योर हाउस, ओके, जिसका 18 महीने या 1 साल का एज है, तो उसको आपको किसी भी किस्म के स्क्रीन से एक्सपोज नहीं करने देना है, ओके? सो यू कैन इन्फॉर्म दिस टू योर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, इफ यू हैव अ स्मॉल चाइल्ड हुज एज इज 18 मंथ्स और 1 ईयर अराउंड, तो उसको हम स्क्रीन से एक्सपोज नहीं करेंगे। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो 2 और 6 साल या 2 या 5 साल के बीच में है, तो आप उसका स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा नहीं करेंगे। तो अगर वो मोबाइल से खेलना है उसको, या लैपटॉप से खेलना है, कुछ गेम खेलनी है, कुछ सीखना है उसमें, तो नॉट मोर देन 2 आवर्स होना चाहिए, राइट? फाइन। और उसके ऊपर वाले जो बच्चे हैं, जैसे 6 साल से टीनेजर्स ले लीजिए एंड देन द एडल्ट्स, देर इज आइडियली नो डिसाइडेड फिक्स टाइम पर्टिकुलरली गिवन बाय साइंटिफिक रिसर्च प्रेजेंटली, ओके? बट सी, हमें यूं अपने तकनीक को इस्तेमाल करना है कि हमारा शरीर ही हमें सिग्नल्स दे कि दिस इज गुड और दिस इज बैड, राइट? सो इन दैट केस, अगर ऐसा सोच के मत चलिए कि गाइडलाइंस आएगी फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना होगा, राइट? यू हैव टू जज फ्रॉम योर ओन बॉडी कि आपको कितना स्क्रीन टाइम सूट कर रहा है एट अ टाइम, एक ही नो स्पैन में आप कितना लंबा बैठे हैं जो यूजफुल है या यूजफुल नहीं है। दैट इज वाई द साइंस ऑफ ब्रेक इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड पीपल अबाउट द एज ग्रुप ऑफ 7। ये आप सीख लीजिए और इसको इंक्लूड कर दीजिए, तो क्या होगा कि आपको अगर स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज्यादा भी है तो भी अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यू हैव मैनेज्ड योर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन आवर्स इन अ बैलेंस वे। तो उसको बैलेंस करके चलिए तो कोई साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगी। पर हम क्या करते हैं, हम अलर्टली उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट इन यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? सो स्क्रीन टाइम को आपको चेक करना है, अगेन नोट डाउन कि आप कितना लंबा टाइम स्क्रीन के सामने रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 साल के नीचे वाले,
अगर वो ज्यादा टाइम से एक्सपोज हो रहे हैं तो उनके ब्रेन का फॉर्मेशन में, उनके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, दैट रियली गेट्स टू गेट चेंज्ड, वो बदलते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द स्क्रीन, राइट? एंड अगर आप स्क्रीन टाइम, अगर आप ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं एंड कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम तक स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, तो क्या होगा? तो इन दैट केस द मैक्सिमम प्रॉब्लम विल बी विथ योर आईज. सो दैट्स वाई ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट. आपका जो आई नो स्ट्रेन पड़ता है आईज को, जिसको हम डिजिटल आई स्ट्रेन बोलते हैं, तो वो डिजिटल आई स्ट्रेन आप उसको आपको हो जाएगा बिकॉज आप अपने आप को ब्रेक नहीं दे रहे हैं. सो ब्रेक्स आर इम्पॉर्टेंट इन इवन इन कंट्रोलिंग योर एक्सपोजर टू योर स्क्रीन टाइम, राइट? सो टेक द ब्रेक्स इन 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 व्यू ऑफ दीज दिस पर्टिकुलर थिंग्स. नाउ कई लोगों का ये प्रश्न भी रहता है कि व्हाट अबाउट द यूज ऑफ द ब्लू लाइट इनसाइड द स्क्रीन. सो हियर आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप रात के टाइम पे हो सके तो आप अपने असाइनमेंट्स, होमवर्क सब डे लाइट में खत्म कर लीजिए. आफ्टर यू गो गो नो बियॉन्ड सनसेट्स, राइट? सो रात को आप ऐसा कुछ रखिए ही नहीं आपको ज्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ा. सपोज आप फिर भी कर रहे हैं, कुछ है कि जो नहीं कंप्लीट हुआ है और आपको करना पड़ रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज इन दैट कंडीशन यू नो ट्राई टू फिक्स आउट के आप जो भी स्क्रीन यूज कर रहे हैं वो नाइट मोड में हो अगर पॉसिबल है तो, राइट? एंड देर आर डिफरेंट वेज एंड मीन्स टू नो यूटिलाइज योर गैजेट्स इन एन अप्रोप्रिएट वे. जैसे अभी काफी सारे ऐसे एप्स भी आते हैं जो आपको टाइम लिमिट कर देगा कि आप इससे ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं कीजिए, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं. या फिर आप कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस इनसाइड योर नो डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड योर फोन, सेट इट इन सच अ वे दैट द लाइट इफेक्ट ऑफ द स्क्रीन इज नॉट टेम्परिंग द हेल्थ ऑफ योर आईज. तो उसको सेट कीजिए, सो वो ग्लेयर भी आपका मैनेज हो जाएगा और साथ में वो बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंखों के ऊपर नहीं आ रही है, तो वो एक सेट करेंगे. रात को सिर्फ ध्यान ये रखेंगे कि इन एनी केस यू आर नॉट गोइंग टू यूज नो योर स्क्रीन पुटिंग ऑन एंड गोइंग टू स्लीप. कोई भी किस्म का स्क्रीन है, अगर आप फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, प्लीज स्विच ऑफ एवरीथिंग व्हेन यू गो टू द बेड. डोंट नो गेट एक्सपोज टू द लाइट्स ऑफ योर डिवाइसेस व्हेन यू हैव टू स्लीप. सो आइडियली जब आप सोने जा रहे हैं, आइडियली 1-2 घंटे के पहले आपके सारे डिवाइसेस बंद कर दीजिए, ओके? बिकॉज ये जो ब्लू लाइट है वो एज सच कोई, इट डज नॉट हैव एन इफेक्ट ऑन योर हेल्थ डायरेक्टली. आईज का एक प्रॉब्लम हो सकता है, पर अगर आप ज्यादातर ब्लू लाइट में रात को एक्सपोज हुए तो जो हॉर्मोन मेलेटोनिन होता है, जो रात में ही इफेक्ट दिखाता है, वो रात में फंक्शन करता है, वो सीक्रेट नहीं होगा. वो ठीक से सीक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा कि आपको अच्छी नींद नहीं आएगी. सो योर वेक एंड स्लीप साइकिल गेट्स डिस्टर्ब्ड इफ यू आर एक्सपोज्ड फॉर लॉन्ग आवर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम विथ योर ब्लू लाइट, विच इंक्लूड्स इवन द लाइट्स कमिंग फ्रॉम अदर सोर्सेस. आपका ट्यूबलाइट हो सकता है, यू नो एनीथिंग विच हैज अ ब्लू लाइट सोर्स. तो इसी वजह से डार्कनेस में सोना है, हमें डिवाइसेस के लाइट्स को लेके नहीं सोना है. सो कीप योर डिवाइसेस शट डाउन. बेडरूम में कोई टेलीविजन, फोन्स, लैपटॉप्स अवॉइड कीजिए, उसको रख के मत सोइए, सो दैट यू कैन हैव अ गुड स्लीप, ओके? जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट, हम उस जमाने में भी तो जिए हैं जहां हमारे पास लैपटॉप और नो फोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, तो भी हम सो ही जाते थे एंड वी हैड हैंडल्ड इमरजेंसीज. तो अभी भी कर सकते हैं, कोई ऐसा ऐसा नहीं होने वाला है कि फोन बाहर रख दिया और कुछ हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला है. इट्स अ मैटर ऑफ मेकिंग अ हैबिट. सो जस्ट फॉर्म अ हैबिट दैट 2 आवर्स बिफोर यू गो टू बेड यू स्विच ऑफ एवरीथिंग. डोंट सी द नोटिफिकेशन, आपके नोटिफिकेशन बेल्स सब बंद कर दीजिए, ओके? साइलेंट मोड पे फोन आ जाना चाहिए, एंड फिर भी आपको यूज करना पड़ रहा है तो नाइट मोड में लेके उसको यूज कीजिए. बट बिफोर 1 एंड 2 आवर्स जस्ट स्टॉप योर डिवाइसेस एंड डू समथिंग एल्स. वो ऑफलाइन वाला टाइम टेबल लाइए सो दैट यू आर नो एबल टू स्लीप प्रॉपरली एंड दैट योर बायोलॉजिकल क्लॉक्स वर्क इन अ बेटर वे. सो दैट इज वॉट यू शुड डू इट वेन वी आर नो यूजिंग द स्क्रीन इन दिस वे.
राइट एंड नाइट मोड हैज टू बी नो यूटिलाइज्ड। एंड इन सब चीजों की वजह से अब आते हैं हमारी आंखों पे, जो सबसे ज्यादा हमारा नो डेलिकेट पार्ट है हमारी आईज, जो ये डिजिटल आई स्ट्रेन या उसको पिंक आईज भी बोलते हैं, दे सफर अ लॉट बिकॉज वी आर वर्किंग ऑनलाइन। सो अभी हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मेरी आई स्ट्रेन हो रही है या नहीं? तो सिंपल चीज है, अगर वो दुख रही है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आंख से पानी जा रहा है जब आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, राइट, या फिर ब्लर्ड विजन है, आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, तो इन दैट कंडीशन इट मीन्स दैट योर आईज आर गेटिंग स्ट्रेन्ड। कई लोगों को जैसे वॉटरी आईज हो रही है, वैसे कई लोगों को ड्राइनेस भी हो सकता है आईज के अंदर। तो इफ यू आर हैविंग ड्राइनेस इन योर आईज, दैट मीन्स दैट योर आईज आर अगेन गेटिंग इन ट्रबल। ओके, किसी किसी लोगों को आईज में खुजली होगी, राइट, ईचिंग हो सकता है, तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। इवन हेडेक हो सकता है, सो अगर आपको हेडेक हो रहा है तो भी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट नो योर आईज इन दैट वे। जो लोग कॉन्टेक्ट लेंसेस पहनते हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट के हो सके तो अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन काम कर रहे हैं, यूज चश्मा स्पेक्टिकल्स पहनिए। ओके, वो क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंसेस का आपको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें आई ड्राइनेस की सिचुएशन बढ़ सकती है, सो इट्स बेटर टू गो ऑन फॉर योर स्पेक्टिकल्स इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेस। फिर भी अगर आई ड्राइनेस आ रहा है और आईज को स्ट्रेन पड़ रहा है, तो बेस्ट इज के जैसे मैंने आपको बोला था, आपका सिटिंग अरेंजमेंट आइडियल होना चाहिए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू कीप योर स्क्रीन एज डिस्टेंट एज पॉसिबल। 18 to 24 inches का आपके और आपके स्क्रीन डिवाइस के बीच का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, राइट? सो व्हेन यू मेंटेन दैट मच डिस्टेंस, इट बिकम्स इजी फॉर योर आईज नॉट टू गेट स्ट्रेन्ड, राइट? अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन के फॉन्ट साइज बढ़ाइए, सो दैट आप उतने डिस्टेंस से इजीली उसको देख पा रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रेन। हो सके तो आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहनिए, जिनको कॉन्टेक्ट लेंसेज है वो भी ग्लासेस बनवा के वो ग्लासेस से काम करें। टाइम टू टाइम जब ब्रेक ले रहे हैं तो मुंह धोइए और आंखों में पानी डालिए, ठंडा पानी डालिए, सो दैट योर आईज आर गेटिंग रिलैक्स्ड। अनदर थिंग टू बी डन इज कि जब आपको आईज में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये फोरहेड क्यों सिर दुखता है, क्योंकि यहाँ के जो मसल्स होते हैं वो दे आर गेटिंग स्टिफ्ड, वो ज्यादा वर्क हो रहे हैं तो वो स्टिफ हो जाते हैं, तो यहाँ आप मसाज कीजिए। ओके, टेम्पोरल पार्ट में इसको अच्छे से आप मसाज कीजिए, सिर्फ फिंगर से मसाज कीजिए, क्योंकि यू कैन टेक वाटर इफ यू वॉन्ट, राइट, या अगर आपके पास कोई अच्छा असेंशियल ऑयल है तो वो भी कर सकते हैं, इट विल इवन एनहेंस योर मूड, बट इट विल हेल्प रिलैक्स दिस फोरहेड मसल्स, और जो टेंशन आपकी आईज को मिला है वो कम होगा। दैट्स वन वे। हम लोग चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज द स्पून्स, ओके, एंड पुट इट इनटू द रेफ्रिजरेटर। अच्छे से क्लीन की हुई चम्मच आप रेफ्रिजरेटर में रखिए, और जब ब्रेक ले रहे हैं तो वो 2 स्पून्स क्या जो आगे का होगा होल, उसको आप इधर लगा दीजिए, चम्मच को लगाइए, तो वो जो ठंडी चम्मच है वो उससे आपकी आईज को कूलिंग मिलेगी। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? देयर इज अ क्वेश्चन बाय समबडी, इफ द आईज बिकम वॉटरी इन ऑफिस और ऑफ स्क्रीन मोड, देन हाउ मच इट हार्म्स एंड वॉट टू डू टू रिड्यूस द वॉटर इन द आईज। सो सी, इफ यू हैव कंटिन्यूअस वॉटरी आईज, गेट इट चेक्ड विद द डॉक्टर। हो सकता है कोई आई प्रॉब्लम की वजह से ये कंटिन्यूअस वॉटरी आईज है, अगर वो बंद नहीं हो रहा है और बहुत महीनों से ये चल रहा है, इट्स नॉट गुड। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऑनलाइन की वजह से ही हो, इट कैन बी बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स ऑल्सो, राइट? कई बार डस्ट एलर्जी हो जाती है तो भी वॉटरी आईज हो सकती है, रेड आईज होती है, पिंक आईज होती है, सो यू नीड टू चेक दैट विथ योर डॉक्टर, राइट? एंड यू कैन ऑल्सो यूज टीयरलेस ड्रॉप्स। सो टीयरलेस ड्रॉप्स आर वेरी सेफ ड्रॉप्स, उसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं होता है विच इज हार्मफुल फॉर योर आई, बट जिनको ड्राइनेस हो रही है, राइट, उनको अगर ये टीयरलेस ड्रॉप्स डालेंगे तो यहाँ का कंजेशन भी कम होगा, और साथ में क्या होगा कि योर आईज आर गेटिंग इनफ लुब्रिकेटेड, सो दिस थिंग्स यू कैन यूटिलाइज इट। यू कैन इवन यूज, अगर आपके पास कॉटन बॉल्स हैं तो थोड़ा आप रुई है उसको अच्छे से पानी में, ठंडे पानी में भिगो के रखिए, और उसको थोड़ी देर ड्यूरिंग द ब्रेक्स अपनी आंखों के ऊपर रखिए, तो दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ कूलेंट फॉर यू। ओके, सो देर आर वेज एंड मीन्स, आप उसमें फिर थोड़ा सा वो नो
रोज वाटर मिला सकते हैं तो वो कूलर आएगा, बट नथिंग एल्स शुड बी अप्लाइड इनसाइड द आइस। कोई भी किस्म का, डॉक्टर की सलाह के बिना आप कोई भी किस्म का लिंट या नो जेल या एनी सॉर्ट ऑफ ऑयल या ऑइंटमेंट मत इस्तेमाल कीजिए। ये सिंपल मेथड्स यूज कीजिए तो आइज रिलैक्स होंगी। एक्सरसाइजेस में हम क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द आइज? सो हम जब भी हम ऑन स्क्रीन होते हैं, हमारा जो नेचुरल आइज का पटपटाना होता है, ब्लिंकिंग होता है, वो कम हो जाता है। सो हमें क्या करना है, हमें जानबूझ के हमारा ब्लिंकिंग अलर्ट रह के बढ़ाना है। सो ड्यूरिंग द ब्रेक्स या व्हेन यू आर ऑनलाइन एट दैट टाइम आल्सो यू डेलिबरेटली डू द ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, बिकॉज दैट्स असेंशियल फॉर योर आई एकोमोडेशन प्लस लुब्रिकेशन। सो वो आईज अपनी अपना काम खुद से इजिली करेगी जो अगर आप उसे ब्लिंक अच्छे से कर रहे हैं। सो वो ब्लिंकिंग का टाइम पीरियड कम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इनफ डन, राइट? दैट्स वन थिंग टू डू, दैट दिस कैन बी डन ड्यूरिंग द नो ऑनलाइन वर्क ऑल्सो, कि आप उसको याद करके नो बीच बीच में जानबूझ के ब्लिंक कर लीजिए। दैट्स वन थिंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉलो द रूल ऑफ 20-20-20। नाउ व्हाट इज दिस 20-20 रूल? सो एवरी 20 मिनट्स फॉर 20 सेकेंड्स यू लुक एट अ डिस्टेंस अवे फ्रॉम 20 इंचेस, 20 इंच दूर का कुछ देखिए 20 सेकेंड्स के लिए हर 20 मिनट के बाद। सो दैट्स रूल ऑफ 20-20-20। अगर ये याद नहीं रहता है तो कोई नहीं, इतना याद रखना है कि थोड़ी थोड़ी टाइम में आपको कहीं और देखना है, अपने स्क्रीन को छोड़ के कहीं भी और देखना है। जहां तक दूर तक देख सकते हैं देखिए, ओके? सो इससे क्या होगा, अगेन योर आईज आर ट्राइंग टू एकोमोडेट योर सेल्फ, ओके? वो अपने आप को एकोमोडेट कर रही हैं और वो स्ट्रेन से फ्री हो रही हैं। सो इट्स अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड साइंटिफिक एक्टिविटी एंड रिकमेंडेड बाय ऑफ्थेल्मिक एसोसिएशंस, ओके? कि भाई आप इस टेक्निक को यूज कीजिए टू गेट योर डिजिटल स्ट्रेन्ड आईज रिलीव, राइट? सो 20-20-20, हर 20 मिनट्स में हम कहीं देखेंगे। अगर आप 10 मिनट में भी देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प ही हो जाएगी, पर हमें कंटिन्यूअसली स्क्रीन के तरफ देखते नहीं रहना है। अब वो स्क्रीन किसी भी चीज की हो सकती है, टेलीविजन, फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्क्रीन ऑफ एनीथिंग। डोंट लुक एट इट कंटिन्यूअसली, गिव योर नो योर आईज ब्लिंकिंग डेलिबरेटली, एंड एवरी 20 मिनट्स और इन एवरी फ्यू मिनट्स यू हैव टू लुक समथिंग अवे फ्रॉम योर स्क्रीन, हो सके उतना दूर की तरफ उसको देखिए, ओके? देन व्हाट एल्स शुड बी डन फॉर योर नो आईज? एक तो वो मसाज वाला करेंगे और दूसरा क्या करेंगे कि हम आईज का नो आईज के ऊपर कप बना लेंगे, अपने दोनों हाथों से यू कप बना लेंगे। इसको प्रेस नहीं करेंगे, ऐसे अंदर से ये ऐसे खाली होना चाहिए, ठीक है? और उसको कप बना के ऐसे रख देंगे, राइट? वी विल क्लोज अवर आईज इन साइड। वेन आई एम मेकिंग अ कप, मेरी आईज खुली नहीं रहेगी, बंद रहेगी, राइट? और जब मैं ऐसे बंद रख रही हूं तो फिर बंद रखे हुए ही मुझे अपने आईज को अंदर, माने मेरी जो आईज की कीकी होती है, जो अंदर मेरा जो आई बॉल है, उसको पूरे हर डायरेक्शन में मूव करना है, ऊपर नीचे साइडवर्ड, हमें अपने आई बॉल को रोटेट करना है। सो दैट इज गोइंग टू बी नो अगेन अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर आईज, राइट? सो यू यू शुड ट्राई दिस इन बिटवीन द ब्रेक। सो यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू इन ब्रेक्स, सो दैट्स द रीजन। दिस आर ऑल साइंटिफिक वेज एंड मीन्स के आप ये कप वाला कीजिए, क्लोज कर दीजिए, और इवन लाइक यू नो होल्ड इट फॉर सम टाइम, उसको नो क्लोज किया और फिर उसको आप थोड़ी देर खुला किया, वापस क्लोज किया, ऐसे भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड वेन यू आर क्लोजिंग इट, जस्ट रोटेट योर आईज इन साइड। दिस विल गिव लॉट ऑफ रिलैक्सेशन टू योर आईज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स 4 टाइम्स इन एवरी ब्रेक, डिपेंडिंग ऑन वट काइंड ऑफ नो आईसाइट इश्यू यू हैव। लाइक इफ आई एम हैविंग अ स्पेक्स, मेरे पास चश्मा, मैं चश्मा पहने हूँ बहुत जो बचपन से पहने हूँ, दैट मीन्स मेरी आईज ऑलरेडी वीक है, ओके? तभी तो मैंने चश्मा पहना है। तो इन दैट केस आई नीड मोर आई एक्सरसाइज। इफ यू आर फेसिंग दैट आई स्ट्रेन प्रॉब्लम, जैसे आपकी वॉटरी आईज है या आपकी पिंक आईज हो जाती है, ड्राइनेस है,
तो अगेन आपको समझना है कि ये एक्सरसाइज आपको ज्यादा टाइम करनी है, कम टाइम नहीं करनी है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज योर ब्रेक्स. सो जब भी आप ब्रेक्स ले रहे हैं या इन बिटवीन, अब आई एक्सरसाइजेस तो आप पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं, जो आपको जो नॉन मोनोटोनस शेड्यूल बनाना है वाइल वर्किंग ऑनलाइन, उसमें भी आप आई एक्सरसाइजेस बीच बीच में डाल सकते हैं. द ओनली थिंग इज यू शुड गेट रिमाइंडेड ऑफ इट. सो एक अपना अवेयरनेस से अलर्टली एक शेड्यूल डिजाइन कीजिएगा, मैं कैसे ऑनलाइन अच्छे से काम करूं, तो इट्स गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू. ओके, एंड दैट्स हाउ यू कैन हेल्प योर आईज इन अ वेरी वेरी बेटर वे, राइट? सो नाउ व्हेन वी हैव डिस्कस्ड विथ दिस आईज एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फिजिकल थिंग्स, बट वी नीड टू टॉक अबाउट हाउ टू स्ट्रेच अवर लोअर बॉडी. सो मैं अगेन एक डेमो दिखा रही हूँ फॉर द नो लोअर बॉडी, के उसको हम कैसे डील करेंगे. सो आई शिफ्ट ऑन टू द चेयर एंड शो यू हाउ यू शुड ट्राई टू नो टेक केयर ऑफ योर लेग्स एंड योर बैक फॉर स्ट्रेचिंग. सो थोड़ा एक दो एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग का देखेंगे. अगर आपको मेरे साथ करना है तो आप अपने कुर्सी पे बैठ के ये कर सकते हैं, अदरवाइज जस्ट हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड कैसे स्ट्रेचिंग किया जाता है, राइट? एंड उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज द मेंटल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू अवर ऑनलाइन वर्क. कैसे हमारा हमारे इमोशंस और हमारे ब्रेन और मेंटल हेल्थ पे इसकी इफेक्ट आती है, और उसके लिए हमें क्या मेंटल हेल्थ हाइजीन और हेल्थ हैबिट्स हमें फॉलो करने हैं. ओके, सो आई जस्ट नो मूव ऑन टू द चेयर. सो आई थिंक यू कैन सी द चेयर इजिली हियर. मैंने चेयर को लगाया है पहले से, सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट आई एम गोइंग टू डू. ओके, सो दिस इज हाउ इफ यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, राइट? सो जब भी आप चेयर पे बैठेंगे तो अंदर की तरफ से बैठेंगे, यहाँ कुशन लगाइए और अंदर की तरफ आप जाइए, दैट्स असेंशियल, राइट? एंड व्हेन यू आर सीटेड लाइक दिस, आई होप आई एम ऑडिबल, मेरा मेरा आवाज पहुंच रहा है. यू कैन शो मी अ थम्स अप इफ आई एम ऑडिबल. अभी जब भी हम ये यहाँ इस तरह से बैठेंगे, राइट? सो यहाँ पीछे हमें कुशन लगाना है. ओके, पीछे कुशन लगाएंगे और अंदर से बैठेंगे और पैर मेरे नीचे की ओर होने चाहिए. द बेस्ट चेयर वुड बी विथ सपोर्ट्स योर हैंड्स. यहाँ अगर हैंड रेस्ट के लिए कुछ सपोर्टिंग डिवाइस है तो वो बहुत अच्छा है, तो आप अच्छे से हैंड रेस्ट के लिए हाथ रख सकते हैं. दिस इज नॉट अ गुड चेयर. सेकेंड थिंग इज व्हेन यू आर यूजिंग द चेयर, सी टू इट दैट आपका चेयर जो है वो ऐसा नहीं हो कि आपका बैलेंस लूज हो जाए. ओके, सो द चेयर नीड्स टू बी नो इन नो इनफ वेट के वो आप जब बैठ रहे हैं तो आपका बैलेंस लूज नहीं हो. नाउ व्हेन आई एम सिटिंग लाइक दिस, देन व्हाट शुड आई डू व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ माय नो लोअर लिम्ब्स एंड ऑल? तो एक इजीएस्ट एक्सरसाइज है कि मैं साइडवर्ड स्ट्रेच करूंगी. सो व्हाट आई डू इज आई गो डाउन लाइक दिस. ओके, सो मैं बैठे बैठे ही दोनों हाथ एज इफ मुझे नीचे की ओर कहाँ टच होने चाहिए, आई विल ट्राई टू टच द फ्लोर एज मच एज पॉसिबल. ओके, सपोज मेरा नहीं टच हो रहा है तो भी इट्स ओके, बट आई वुड लाइक टू टच द साइड. अगेन द सेम थिंग आई डू इट फ्रॉम द अदर साइड. सो आई हैव टू ट्राई टू सी कि मैं अपने दोनों हाथ इस तरह से फ्लोर की ओर झुकाने की कोशिश करूंगी, फ्लोर टच करने की कोशिश करूंगी. दैट इज वन थिंग. दिस हेल्प्स योर नो साइडवर्ड नो बैक. देन आई डू द स्ट्रेचिंग लाइक दिस. सो आई एम मूविंग माई कंप्लीट बॉडी बैक साइड, राइट? एंड अगेन आई एम ट्राइंग टू होल्ड एंड कंप्लीटली पुट इट बैक साइड. सो दिस इज अगेन अनदर सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रेच, कि मैं दोनों साइड से स्ट्रेच कर रही हूँ. अगर आप पीछे तक नहीं जा पा रहे हैं तो भी बैठे बैठे अपना ये जो कमर का पोर्शन है उसको आप साइडवर्ड ट्विस्ट दीजिए. सो दैट्स गोइंग टू हेल्प योर नो मसल्स ऑफ योर बैक बिकम मोर फ्लेक्सिबल, राइट? एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमें हमारे लेग्स को भी हेल्प करना है. तो व्हेन वी आर सिटिंग लाइक दिस इन दिस मोड, व्हाट वी विल बी डूइंग इज दैट, सो दैट यू कैन सी माई फुट, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस अरेंजमेंट. सो मेरे पैर एक तो जमीन पर टच होने चाहिए और मैं पैर यूं उठा लूंगी. एंड देन वो जो मैंने आपको सिखाया था कि आपको स्ट्रेच करना है, तो इसको यूं स्ट्रेच करेंगे अंदर की ओर. तो ये पूरा जो आपका
नीचे से जो आपकी साइटिका नर्व्स जा रही हैं, नीचे से जो आपके मसल्स जा रहे हैं, वो सारे रिलैक्स होंगे। ओके और एक सिंपल चीज जो हम छोटे होते हैं तब करते हैं कि हम ऐसे ऐसे पैर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो कीजिए फॉर योर नो लेग्स मूवमेंट। इवन लाइक दिस यू डू, इट्स गुड एक्टिविटी। इस ऐसे करने से क्या होगा कि आपका जो लेग है उसके जॉइंट्स और उसके मसल्स को नो फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। सो दैट्स अनदर वे टू डू। देन द अदर एक्सरसाइज इज लिफ्ट योर लेग अ लिटिल लाइक दिस एंड प्रेस। अगेन लिफ्ट योर लेग एंड प्रेस। सो दिस इज वन वे। इफ यू वॉन्ट टू डू मोर एंड कैन ट्राई योर हैंड्स ऑन, तो ऐसे नीचे रखेंगे और यहां से पैरों को उठाएंगे और इसको मूवमेंट देंगे। सो दिस ऑल्सो इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर योर थाई मसल्स एंड योर काफ मसल्स। सो दैट रियली वर्क्स। यू कैन ट्राई मोर इन टर्म्स ऑफ योर चेयर योगा। देर आर लॉट ऑफ चेयर योगा अवेलेबल ऑनलाइन ऑन गूगल। यू कैन जस्ट सर्फ इट आउट एंड डू सम नो सिटिंग आसन पोस्चर्स, दैट विल हेल्प इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर नो चेयर्स। अगेन फॉर दिस पोर्शन वॉट यू हैव टू डू इज कीप योर हैंड स्ट्रेट लाइक दिस एंड देन जस्ट मूव फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल। अपने एज इफ आपका हाथ कोई पकड़ के खींच रहा है, तो आप ऐसे समझिए कि कोई खींच रहा है और इसको जितना हो सके आगे की ओर आप मूव कीजिए। सो उसकी वजह से क्या होगा कि योर होल बॉडी इज गेटिंग टोन्ड ओनली बाय डूइंग सिंपल स्ट्रेचेस एंड सिटिंग, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक एंड नो डू योर रेगुलर नो स्ट्रेचिंग इन योर ब्रेक्स। आप ब्रेक के टाइम में अपना स्ट्रेचिंग इस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस कैन रियली स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जस्ट मेकिंग स्मॉल स्मॉल चेंजेस, इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर ऑनलाइन स्टडीज एंड योर ऑनलाइन ऑफिस वर्क। इट्स जस्ट ऑल अबाउट चेकिंग। कुछ भी नहीं करना है तो 2 मिनट सिर्फ बॉडी को डांस के मूवमेंट में डाल दीजिए, थोड़ा डांस कर लीजिए एंड योर बॉडी इज गोइंग टू काम डाउन। ओके सो वी वॉन्ट दैट कुछ मूवमेंट हो, शरीर में कुछ मूवमेंट हो। आप कंटिन्यूअसली एक ही पोस्चर एक ही पोजिशन में मत रहिए। डोंट ब्लॉक द ब्लड सर्कुलेशन। सो जितना हो सके उतना जब चेयर पे बैठेंगे हम कम से कम नो फोल्डिंग्स रखेंगे। विल नॉट फोल्ड अवर हैंड्स टू मच, नॉट पुटिंग द लेग्स बैंडेड बिहाइंड द चेयर, क्योंकि जितना आप वैसा नो फोल्डिंग पोस्चर्स में रहेंगे यू आर स्पॉइलिंग द ब्लड सर्कुलेशन एस्पेक्ट। उसमें ब्रेक्स लगेगी तो वो हमें ब्रेक्स नहीं लगानी है, उसे बने वहां तक हेल्प करना है। तो हम इस तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को यूज करेंगे। नाउ लेट्स कम डाउन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल डिजिटल हेल्थ। कैसे हम हमारा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे? सो वी व्हेन वी आर वर्किंग सो मच इन टू नो दिस मेंटल दिस ऑनलाइन एस्पेक्ट्स, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू अवर मेंटल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ अस कैन बी नो अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी और नर्वसनेस बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स विदाउट ब्रेक्स, विदाउट डूइंग एक्सरसाइजेस, नो कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन टू योर डिजिटल मीडियम। सो इन दैट केस दोज थिंग्स कैन हैपन विथ अस, राइट? देर कैन बी नो अ पर्टिक्युलर सॉर्ट ऑफ लोनलीनेस। इवन दो यू आर यूजिंग सोशल मीडियाज एंड फोन, देर आर ऑल द चांसेस दैट यू बिकम नो अ रियल रियल नो पर्सन ऑफ लोनली फीलिंग। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया यूज कर लिया तो मैं कनेक्टेड हूँ। ऐसा पा गया है इन रिसर्च के दोज पीपल हु आर नो यूजिंग सोशल मीडियाज एंड दे आर ऑनलाइन, दे आर having the tendency of getting more lonely feeling because they are connected to a sort of anxiety and depression which is related to being for long hours online, right? So that's why breaks are very essential once again. कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं या गुस्सा बढ़ जाता है बिकॉज वो काफी लंबा टाइम ऑनलाइन रहते हैं। तो दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड वे टू यूटिलाइज योर डिवाइसेस। इसमें देखिए डिवाइस का कोई कसूर नहीं है। इट्स गुड नो दैट वी आर गेटिंग समथिंग टू वर्क ऑनलाइन, सी समबडी, टॉक अ वीडियो ऑनलाइन। जस्ट इमेजिन, पर ये 6 महीने पैंडेमिक के अंदर आपके पास टेलीविजन नहीं होता या मोबाइल फोन नहीं होता तो कितनों का टाइम कटता। सो डू नॉट ब्लेम द डिवाइसेस एंड साइंस इज इनफ अवेयर। जहां जहां हमें पता चल रहा है रिसर्च से कि ये स्क्रीन ठीक नहीं है या ये
चीज है, हम हमारे डिजाइन में उसको चेंज कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू मेक बेटर डिजाइन ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स, नो ऑफ अवर टेलीविजन सेट्स, के भाई जितना हो सके वो ह्यूमन फ्रेंडली हो, उसका इर्गोनॉमिक्स ठीक चले और वो हमें हार्मफुल नहीं हो. तो इन दैट रेफरेंस इट्स गोइंग रियली, दे आर ट्राइंग हार्ड, पर हमें हमारी तरीके से भी तो कोशिश करनी है कि हम डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल करें. सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ आल्सो, हाउ दिस इज रिलेटेड टू योर नो पर्टिकुलर डिवाइसेस. सो ऐसा माना जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम नो सोशल मीडिया पे रहते हैं एंड दे आर नॉट यूजिंग दिस नो दिस डिजिटल हाइजीन मेथड्स, देन इफ दे सफर फ्रॉम लोनलीनेस, दैट लोनलीनेस का इम्पैक्ट जो होता है वो इम्पैक्ट कोई एक इंसान 15 सिगरेट एक दिन में पिएगा और उसकी जो इम्पैक्ट होगी उतना हो सकता है. नाउ दिस सीम्स टू बी नो इट इज एज इफ यू आर ब्लोइंग ऑफ नो, बट ये रिसर्च है. रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि अगर आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो इम्पैक्ट उतना ही है जितना अगर कोई इंसान 15 सिगरेट एक ही दिन में पिएगा उतनी. एंड दैट काइंड ऑफ लोनलीनेस कैन कम इफ यू आर नॉट यूजिंग योर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन अ बैलेंस्ड वे. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ यू डिजाइन योर डे, हाउ यू आर मैनेजिंग योर टाइम इन द होल डे यूजिंग योर ऑनलाइन मोड्स एंड ऑफलाइन मोड्स. ओके, अनदर थिंग विच कम्स इन द मेंटल हेल्थ इश्यू, डिजिटल मेंटल हेल्थ इश्यू वुड बी, देर आर केसेस एंड देर आर रीजंस एंड रिजल्ट्स इन रिसर्च दैट डिजिटल एमिनेशिया कैन हैपन. सो डिजिटल एमिनेशिया माने क्या? एमिनेशिया माने यू आर कमिंग अक्रॉस नो मेमोरी लॉस. सो अब आप याद कीजिए, जब उस जमाने में जब हमारे पास वो बटन वाले मोबाइल फोन जब सिर्फ आए थे, अभी शुरुआत थी, उस टाइम पे काफी लोगों को फोन नंबर्स याद रहते थे, एड्रेसेस याद रहते थे. ओके, वी वर नॉट सपोज टू लाइक लुक इन टू द डायरीज ऑल द वाइल. आपको आपके रिलेटिव फैमिली मेंबर्स के फोन नंबर्स आराम से याद रहते थे, पर अब क्या हो गया है, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द मोबाइल, वी आर नॉट केयरफुल इनफ टू रिकलेक्ट थिंग्स. ओके, हमको कहीं किसी से घर को भी ढूंढना है तो हम जीपीएस यूज करेंगे. तो इससे क्या हो रहा है कि देर इज अ कंटिन्यूअस इश्यू विथ अवर मेमोरी मैनेजमेंट बाय द ब्रेन. सो जहां तक बने हम ऐसी हैबिट्स डालें कि हम हमारा काम इंडिपेंडेंटली करें, डिवाइस डिपेंडेंट नहीं करें, सो दैट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड वी आर एबल टू यूटिलाइज अवर ब्रेन इन द करेक्ट वे, और वो उसकी शार्पनेस मेंटेन रहेगी. ब्रेन के केस में ऐसा है, जितना ब्रेन यूज करेंगे वो शार्प रहेगा, द मोमेंट यू डू नॉट यूज द ब्रेन इट गेट्स रस्टेड. तो आप डल होते जाएंगे अगर आप वो ब्रेन ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं तो. ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, इज इट गुड और बैड टू पुट कुशन अंडर हेड ड्यूरिंग स्लीपिंग? यू शुड हैव वन कुशन, इट्स नॉट गुड टू हैव गुड टू स्लीप विदाउट कुशन एट ऑल. तो एक आपको तकिया रखना है, वो ज्यादा नो थिक नहीं होना चाहिए, स्टिफ नहीं होना चाहिए, एक सॉफ्ट छोटा सा पतला सा आप कुशन ले सकते हैं. दो कुशन नॉट गुड फॉर योर नेक, सो डोंट यूज टू कुशन, इट्स नॉट गुड फॉर योर नेक. वन सिंगल कुशन शुड बी यूटिलाइज फॉर द पोजिशनिंग ऑफ योर बॉडी. ओके, सो विदाउट कुशन इज ऑल्सो नॉट गुड, सो दैट शुड बी ऑल्सो टेकन केयर ऑफ, राइट? सो सी टू इट दैट नो डिवाइसेज इन योर नो स्लीपिंग रूम, एंड बिफोर 2 आवर्स ऑफ योर स्लीप यू जस्ट स्विच ऑफ ऑल द डिवाइसेज, राइट? एंड इन केस ऑफ दिस मेंटल हेल्थ, ट्राई टू सी टू इट दैट यू डू नॉट अननेसेसरीली रिमेन डिपेंडेंट ऑन योर गैजेट्स. Do your work as much as possible on your own. So that's again a very major requirement. फिर दूसरी चीज क्या हो रही है कि there is a particular term in case of psychological science that is known as FOMO. So FOMO का मतलब होता है fear of missing out. So why we are getting anxious and stress when we are using social media and when we are online? The only reason is that बिकॉज वी आर ऑलवेज इन टू, इवन वेन वी आर ऑफलाइन, हमको वो चिंता रहती है मेरे मोबाइल में क्या मैसेज आया होगा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ डाला होगा तो मैंने वो नोटिस मिस कर दी तो. सो वी आर ऑलवेज इन दैट मिसिंग मोड.
सो उसको फोमो बोलते हैं इन 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 योर साइकोलॉजिकल टर्म्स. इट्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, एज इफ यू आर लूजिंग समथिंग. यू नो, यू फील के कुछ मेरा खो गया या मैंने कुछ नहीं देखा तो क्या हो जाएगा. तो हम उसके हाइप में रहते हैं, उसी के टेंशन में रहते हैं, उसी की वरी में रहते हैं कि शायद मैंने कुछ मिस कर दिया. तो सो यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज वाई यू नीड टू मैनेज योर ऑनलाइन ऑफलाइन टाइमिंग्स प्रॉपरली. ओके, कि नोटिफिकेशन मैं इतने 2 घंटे नहीं देखूंगा, मैंने नहीं देखूंगा, क्या बड़ी चीज हो जाएगी. नोटिफिकेशन तो आ चुका है, कभी भी आप देख सकते हैं. सो गिव लिमिट योर सोशल मीडिया टाइम. जो एप्स आप नहीं यूज करते हैं उसको डिलीट मारिए, सो दैट अननेसेसरीली वो नो कंपनी वालों की भी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स की नोटिफिकेशंस नहीं आए. जितना यूज कर रहे हैं उसको उसका टाइम पीरियड लिमिट कीजिए. ओके, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. सो डोंट अलाउ योर सेल्फ इन टू दैट स्टेट, अदरवाइज यू आर गोइंग इन दैट रॉन्ग मेंटल डिरेक्शन ऑफ स्पॉइलिंग योर मेंटल हेल्थ. तो फिर नर्वसनेस बढ़ेगी, फिर वो क्यूरियोसिटी जागेगी, उसको करने के लिए आप हमेशा मोबाइल में रहेंगे. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बाथरूम भी मोबाइल लेके जाते हैं, तो क्या जरूरत है भाई, बाथरूम में तो रिलैक्स करो. ओके, व्हाई यू हैव टू डू दैट? सो देर इज नो नीड टू गेट सो मच ऑफ नो एंशियस अबाउट यूजिंग योर डिवाइसेस. हैव अ हैबिट ऑफ कामिंग डाउन. और उसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, छोटी छोटी हैबिट से, कि लंच टाइम पे मैं मोबाइल नहीं यूज करूंगा. लंच टाइम में यू पुट योर मोबाइल ऑन वाइब्रेटर, लेट इट रिंग. आपको मिस कॉल मिलेगा, आप बाद में देख लीजिए. मोबाइल में काफी सारे वो भी आते हैं मैसेजेस जो आप ऑन ऑन कर सकते हैं, कि मैं ड्राइविंग मोड में हूँ, या मैं मीटिंग मोड में हूँ, या आई एम ईटिंग द फूड. यू कैन पुट योर ओन मैसेजेस ऑल्सो कस्टमाइज, तो वो छोड़ दीजिए. राइट, व्हाई वी हैव टू अननेसेसरीली क्रिएट एन एंशियस स्टेट? एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार करेंगे. फिक्स योर टाइमिंग्स. ओके, जैसे जैसे आप करते जाएंगे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड के भाई इतना बुरा हाल नहीं होता है. वी कैन गो ऑन विदाउट नो समटाइम विदाउट द फोन, या विदाउट द टेलीविजन, या विदाउट माई लैपटॉप. आई कैन गो ऑन, माई लाइफ कैन गो ऑन. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स अ काइंड ऑफ डिपेंडेंसी. सो उसको हम रिमूव करेंगे. ओके, सो दैट विल हेल्प इन टेकिंग केयर ऑफ अवर दिस काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स विच आर इंक्रीजिंग नाउ बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ नो अवर इंस्ट्रूमेंट्स एंड गैजेट्स. सो वो हमें करना है. नाउ दैट इज वेयर योर दिस डिजिटल हेल्थ एंड योर नो डिजिटल हाइजीन एंड एटिकेट्स कम. सो जो मैंने पहले बताया था कि हम अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हुए ऑनलाइन का मजा ले, हमारी टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट्स का सही इस्तेमाल करें. तो ये कुछ एक चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि हम नो देर हैज टू बी सम नो फोन टाइम, देर हैज टू बी सम नो फोन या नो इंटरनेट जोन्स, या नो डिजिटल मीडिया फ्री स्पेस इन योर हाउस. देर हैज टू बी सम फ्री डे. पूरा एक दिन कुछ यूज ही नहीं किया, संडे तो भाई मैं कोई फोन नहीं लूंगा, कुछ यूज नहीं करूंगा, चलते रहो. या फिर मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल्स यूज करूंगा, पर मैं इंटरनेट यूज नहीं करूंगा. तो आप अपने हिसाब से अपना नो डिजिटल हाइजीन प्लान कीजिए. ये जरूरी है टू हैव अ हैप्पी हेल्दी डिजिटल लाइफ बिकॉज वी आर इन अ मोड ऑफ अंडरगोइंग लॉट ऑफ नो डिजिटल मैकेनिज्म्स कमिंग इन 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 नो इन फ्यूचर. टेक्नोलॉजी आगे जाके और बढ़ेगी. जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमनॉइड्स इन टर्म्स ऑफ रोबोटिक्स. यू डू नॉट, यू कांट एक्सपेक्ट के फोन चले जाएंगे, उसका यूज चला जाएगा. ये बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होने वाला है. आपका ऑनलाइन क्लासेस चला जाएगा शायद, पर आपका मोबाइल का यूज, ऑन स्क्रीन का यूज तो बढ़ेगा ही, वो तो रहेगा ही. इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ. देन व्हाई डोंट यू यूज इट, यू यूज इट एंड यूटिलाइज इट इन द बेस्ट वे. सो लेट्स मेक इट श्योर फ्रॉम टूडे कि हम डिजिटल एटिकेट्स का इस्तेमाल करेंगे. डिजिटल एटिकेट्स में क्या आएगा, वी आर नॉट गोइंग टू शेयर एनी मिस इन्फॉर्मेशन, नो नो काइंड ऑफ अननेसेसरी पोस्टिंग, नो पोस्ट रिलेटेड टू हर्टिंग. कोई साइबर बुली का शिकार नहीं करेंगे और नहीं होंगे. तो उसके रेलेवेंट जो भी नो हमें ध्यान रखना है इन द डिवाइसेस, वो हम मेंटेन करेंगे. डिजिटली जब हम ऑनलाइन होते हैं तो उसका एक डिसिप्लिन कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करेंगे. कोई स्लैंग लैंग्वेजेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है. लोगों के साथ हम जितने ऑफलाइन रिस्पेक्टफुल पेश आते हैं उतना ही ऑनलाइन आना चाहिए, ठीक है. तो वो हम डिसिप्लिन यहाँ पे भी लाएंगे. अननेसेसरीली पोस्टिंग, अननेसेसरीली फॉरवर्डिंग, दैट हैज टू एंड, राइट. अननेसेसरीली पुटिंग पीपल इनटू द प्रेशर टू लाइक द पोस्ट, क्योंकि वो भी एक बड़ा इश्यू है. मेरी फ्रेंड को अगर मैंने लाइक या वेरी गुड सेंड नहीं किया तो वो रूठ जाती है. नाउ दिस इज
दिस हैज टू बी स्टॉप बिकॉज दैट्स अ प्रेशर कि मैंने इसको पोस्ट भेजा तो इसने मेरा पोस्ट क्यों नहीं देखा और देखा तो इसने ये सेंड क्यों नहीं किया. तो यू हैव टू हैव सम डिसिप्लिन इवन इन योर फ्रेंडशिप. देर हैज टू बी सम एटिकेट्स एंड मैनरिज्म हियर एज वेल एंड अबाउ अवर डिजिटल सेफ्टी. सो सी टू इट दैट यू डोंट बिकम अ नो अ विक्टिम ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल क्राइम. डोंट एंड अप इनटू सम एप्लीकेशंस और एंड अप इनटू सम सच काइंड ऑफ चैट रूम्स व्हिच आर नॉट मेंट फॉर यू. सो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए अगर हम टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन्स लैपटॉप्स का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो दिज आर रियली वंडरफुल डिवाइसेस एंड यू कैन फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द मस्क्यूलोस्केलेटन डिसऑर्डर्स विच कैन हैपन बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दिस डिवाइसेस. सो देर आर नो साइंटिफिक एविडेंसेस दैट देर कैन बी क्यूम्यूलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर्स. कैसे माने कौन से और कैसे क्यूम्यूलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? जैसे टेनाइटिस हो सकता है, टीनो साइनोवाइटिस हो सकता है, जो आपके टेंडन्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन का स्वेलिंग, टेंडन्स का स्वेलिंग, ठीक है, वो होना पॉसिबल है अगर आपने ब्रेक्स नहीं लिए हैं टाइम पे, ठीक से ब्रेक्स का यूज नहीं किया है. इफ यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, यू आर नॉट स्ट्रेचिंग योर सेल्फ, नॉट टेकिंग न्यूट्रिशियस फूड, नॉट हाइड्रेटिंग योर बॉडी, ऑल दिस कैन हैपन. इफ योर पोस्चर इज नॉट करेक्ट, नॉट सिटिंग इन एन अप्रोप्रिएट वे, देन यू कैन बी अ विक्टिम ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटन डिसऑर्डर्स, राइट? आप कार्पल टनल के भी सिंड्रोम हो सकते हैं जो व्रिस्ट में होता है. सो यहाँ से एक नर्व पास होती है दैट गेट्स कॉम्प्रेस्ड बिकॉज यू आर वर्किंग अ लॉट. एक मोनोटोनस काम आप हाथ से करते जा रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी दो दो फिंगर्स और थंब, इतना पोर्शन आपका जो होता है वो ट्रबलसम होता है. देयर इज लॉट ऑफ पेन, नमनेस हियर, टिंगलिंग होगा तो वो बढ़ती है, तो उसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं. दिस कैन बी विथ अदर नो एस्पेक्ट्स ऑल्सो इन द लाइफ ऑफलाइन, बट ऑनलाइन की वजह से भी ये इस टाइप का एमएसडी होने की संभावना रहती है. तो दैट्स वाई यूज ऑफ करेक्ट वे ऑफ होल्डिंग योर फोन्स और योर माउस एंड वर्किंग अप्रोप्रिएटली विथ योर माउस इज वेरी वेरी यूजफुल. सो देन यू डोंट सफर फ्रॉम कार्पल टनल काइंड ऑफ प्रॉब्लम या फिर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम्स जो होते हैं जिसमें आपका नर्व और आपका जो ब्लड वेसल्स है वो कॉम्प्रेस होता है. किस पोर्शन का? नेक का और शोल्डर्स का. सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन इंजरीज होती हैं इंसान को वो यही दो चीजों की वजह से होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेक एंड बिकॉज ऑफ द बैक इश्यू. सो इन दैट कंडीशन इफ यू आर डूइंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस प्रॉपरली दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन टू यू. सो सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस एमएसडी इश्यूज, राइट? एंड बी सेफ एंड बी हैप्पी दैट यू हैव एंड वी आर अमंग दोज 50% पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड who are able to utilize online mechanisms to the best. Don't curse the technology, use it in the right way. Be smart to use your smartphones and don't allow them to become your masters. Be the masters of this particular thing, right? So that is what I had to share all about today's ergonomics of online learning. There are 5 minutes left to end up the session. If anybody has any question, can put it into the chat box. I answer those questions and then we can end up this. So if there is any question, we can take 2-3 questions in the last 2-3-5 minutes. I hope the session has been useful to everybody and you have got few more tips to know understand how you have to make best out of your online classes. Thank you everybody for your no encouragement and comments, and I once again is very thankful to the whole of the SRKI team for all the love, support, cooperation and no all the while help for this kind of arrangement. Thank you everybody, and I look forward to come with another good session in days to come. We will be talking more useful things. A humble suggestion to all those who have participated, please subscribe our SRKI YouTube channel for more this kind of programs and to encourage us, as well as please pass on your comments on what kind of workshops or what kind of topics you would like us to discuss, so that
that the college staff and management can try to design the programs according to your needs and requirements. Also, those who are linked up with the extracurricular classroom, it's a humble request to them also that you can have the comments over the classroom so that we understand if there are any flaws to improve. We are all open and we welcome the same. I shall be sharing two ebooks related to your utility of ergonomics, so that those exercises which I have shown today, eye exercises and stretching and few more understanding related to arranging your workstation, that can be taken care of. When you read it, you get the tips once again and you can utilize it. So I will be posting those two ebooks into your extracurricular classroom. So I think I don't find any queries and questions. So thank you very much for your love and support all the while, and have a safe, happy and good online time with your friends, family, teachers and your colleagues all over when you are using your online instruments. Have a very good, healthy, safe life ahead. Thank you all. We end up the session today. Thank you, everybody.